अरे पप्पू, दुनिया में पहले मुर्गी आई थी कि अंडा आया था? आ? अच्छा छोड़, तेरे बस की बात नहीं है। क्या हुआ, हवा निकल गई? अच्छा रोक दे, चल। अगर तूने पढ़ाई में झंडे गाड़े होते ना, तो हमको इतने धक्के नहीं खाने पड़ते। पांडी, पढ़ाई से मैं सिर्फ डॉक्टर बनता, अगर अनपढ़ रहता ना तो मेडिकल कॉलेज खोलकर लोगों को डॉक्टर बना रहा होता। क्या समझा? तू सच कह रहा है? तेरे बाप की कसम। और उसमें फीस कितनी रखता? जितने में खर्चा चल जाए। हमेशा गरीबों की तरह ही सोचेगा। चल बैठ जा। अरे धक्का तो लगा? हाँ लगा रहा हूँ, रुक। क्या कर रहा है? अरे देख, पंचर तो नहीं हो गई? अरे नहीं रे। ए चंपाकली। हाँ? तेरा पति आ गया? हाँ, वो कब के आ गए? तो उससे झाड़ू लगा। हाँ, अंदर आ जाओ। लगवा रही है। कैसा है चूजे? एकदम चकाचक। तुम कैसे हो? आओ बैठो। क्या रे, 3 महीना बोल के 6 साल के बाद आ रहा है? नोटों की बारिश हो रही थी, कैसे आता? मौका मिला तो चौका मार लिया। सुना है तुझे भी विदेश जाने का कीड़ा काट रहा है? कीड़ा तो काटेगा ही ना, सारी कमाई ब्याज में जो जा रही है। पैसा चुकाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तूने तो अकाउंट्स पढ़ा है? हाँ, क्यों? पर वहां पर अकाउंटेंट के लिए काम नहीं है। तो क्या तेरे जैसा भिकमंगे के लिए है? अरे मैं टूरिस्ट वीजा पे गया था, वहां जाने के बाद जुगाड़ लगाया। अरे विजी, ये क्या चीज है? इसे अमीर लोग आंखों पे लगाकर मस्ती भरे सपने देखते हैं। लेकिन मेरे गांव की औरतें तो इसे कहीं और इस्तेमाल करती हैं। ए रख रे तू। अच्छा तू ये बता कि तुझे वीजा मिला कैसे? मुझे भी जाना है। अरे भूल जा, वो तेरे बस की बात नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरे यहाँ रहकर घास छीलने से तो अच्छा है ना, तू खाली रास्ता बता, चलना मेरा काम है। मैं तुझे एक ट्रैवल एजेंट का नंबर देता हूँ। हाँ। जाकर उससे मिल ले, वो तेरा काम कर देगा। क्या हुआ, आगे दोनों मुंह उठा के? हाँ ए बाजू हट। अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? हाँ सुन रहा हूँ। जेब में चवन्नी नहीं है और विदेश जाना है। अरे आज नहीं है तो क्या हुआ, वहाँ जाऊंगा तो माला माल हो जाऊंगा और आके तुम्हारे गहने भी छुड़वा दूंगा। देख रहे हो जी, इसका दिमाग फिर से खराब हो गया है। कहता है कि विदेश जाकर पैसा कमाएगा और मेरे गहने छुड़ाएगा। ये सनक कैसे आया इधर को? वो अपना चूजा है ना, कह रहा था कि अगर मैं विदेश में काम करूंगा तो दीदी के गहने छुड़वा सकता हूँ। और साहबजादे लौटेंगे कब? यही कोई 1 या 2 साल के अंदर ही। ऐसे ही सपने दिखा दिखा कर तूने इसकी जिंदगी भर की कमाई लूट ली और फिर लेने आ गया। तुझे पैसा दिया डूब गया तो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं आऊंगा ही नहीं। अगर मैं यहीं रह गया ना तो मैं तो क्या, मेरे होने वाले बच्चे भी कर्ज नहीं चुका पाएंगे। अगर आपको पैसे चाहिए तो मुझे देने पड़ेंगे। जरा अपनी बहन को देख, शादी के समय इसके पूरे बदन पर गहने थे पर गिद्ध की तरह तो एक एक गहना निकल गया। भूल जा पैसे। बस जीजा जी, इसके बाद नहीं बोलूंगा। आके खा ले। पांच में पांच कम, एक में पांच कम, 10 में 5 कम, 7 में 5 कम, 9:30 में 10 कम, किसी का भी टाइम करेक्ट नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है ना? हाँ, अच्छी तरह चेक किया? सब सही है। नमस्ते सर। देखो, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट वीजा एकदम पक्का बना देगा मैं, ठीक है? बस 38,000 लगेगा। बोले तो 17 तेरा और 17 मेरा, आधे आधे में हो जाएगा। हेलो, 38,000 रुपया एक आदमी का लगेगा मैन। 38 का आधा 17 नहीं 18 होता है, तुम स्कूल नहीं गया क्या? ए, दिमाग से पैदल लग रहा है। 38 का आधा 19,000 होता है। नकल करके पास हुआ इसलिए अकल नहीं है। कहा था ना अनपढ़ लोग आगे होते हैं, है कि नहीं? नेसा कम यार। अच्छा,
अच्छा बताओ अब वीजी कैसा है? अरे उसको क्या होगा सर, गटर के चूहे की तरह फोकट का खा के फूल गया है। नमस्ते सर। अरे बैठो बैठो, ये इधर का चपरासी है, इसका नाम नेसा है, ये भी तुम्हारी तरह बाहर जाने को ट्राई कर रहा है, ये बचपन से परमानेंट म्यूट है, फिर भी जाओ, ये तुमको सब समझा देगा, जाओ। ठीक है सर, चलता हूँ। सर आपने कहा परमानेंट म्यूट है, तो कैसे बताएगा? जाओ मैन, सब बताएगा। लिख तो सर। अरे आ रहा हूँ यार, थैंक यू सर। नमस्ते दद्दू। कौन से गांव से? हमें लंदन जाना है। तो उसके लिए पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो ना। एक आदमी का 7,500 रुपए लगेगा। अच्छा एक काम करो, इन दोनों को आईडी वाला फॉर्म दे दो। मेरे गांव का वोटर आईडी है ना? अरे यहाँ का वोटर आईडी ना चिंदी है। चिंदी? चिंदी बोले तो? अरे भाई चिंदी। हाँ। तो मन पड़ा है क्या? अरे लंदन में इंडिया का आईडी प्रूफ कैसे चलेगा? वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया तो दिखाने के वास्ते आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ तो मांगता है ना, समझता नहीं है। सर अगर वहाँ पकड़े गए तो क्या होगा? डिपोर्ट कर देगा मैं। डिपो पे बस थोड़ी पकड़नी है। अरे बस डिपो नहीं रे। हेलो अंगूठा छाप, डिपोर्ट का मतलब इंडिया वापस भेज देगा। ऐसे कैसे इंडिया वापस भेज देगा? अरे बाप का माल है। अरे आने का पैसा बच जाएगा। तुझे दिखा क्या? कहीं है कोई मुर्गा तो नहीं? या फिर कोई शुतुरमुर्ग है? सुन चमचे, ध्यान से देख। चाहे कुछ भी हो वो भाग ना पाए। भाग गए तो क्या होगा? हम दोनों की धुलाई होगी और तेरा बनेगा मुर्गुसल। क्या बात कर रही हो? Are you ready to see what happened next? Yes. हट, नीचे उतर। ये सास बहू का सीरियल नहीं है। एक्टिंग के नाम पे कलंक है ये लड़की। सॉरी। और तू लट्टू की तरह नाच क्यों रहा है? इसमें थोड़ी लचक चाहिए। ऐसे आपके लिए फोन है। कोई आपसे बात करना चाहता है। हाँ, चालू रखो। तुम लोग की वजह से मुझे हमेशा डांट सुननी पड़ती है। अरे एक तो सर पे मारती है, ऊपर से खुद ही चिल्लाती है। हाँ ठीक है। पप्पू तू यहाँ कैसे? क्या बे, गाँव में सबको बोलता है हीरो बन गया है और इधर जूनियर आर्टिस्ट। अरे जब से आया हूँ मुझे कोई बड़ा रोल नहीं देता यार, इससे मेरी एक्टिंग की भूख नहीं मिटती थी। यहाँ एक्टिंग की भड़ास भी निकालता हूँ और खाने को भी मिलता है। अच्छा तू कौन सा कैरेक्टर कर रहा है? है सर गधे का। तो फिर बंदर की तरह कूद क्यों रहा है? एक्टिंग दिमाग से नहीं की जाती, यहाँ दिल से निकलनी चाहिए। चलो रिहर्सल करो। ठीक है सर, आता हूँ। कौन है ये खड़ूस? ये मेरे मास्टर हैं, एक्टिंग सिखाते हैं सबको। इसके बाप ने इसको तमीज नहीं सिखाया? ऐसा मत बोल, बोढ़े का नाक कितना बड़ा है। ए, चल बाहर चलकर बात करते हैं। अरे आना। अरे तू बिना बताए कहां से टपक पड़ा बे? अरे तू ही तो उतावला हो रहा था कि मिलना है मिलना है, तार मिला तो मुंह उठा के आ गए। मैंने कब तार भेजा? वो छोड़ मेरी बात सुन, वो विजी है ना, उसी की तरह हम भी फॉरेन जा रहे हैं। ए, वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है, लंदन में बहुत झोल किए हैं, तू भी वही करने जा रहा है क्या? तुझे ऐसा लगता है कि मैं वहां जाकर झोल करूंगा? अरे वहां जाकर काम करूंगा, दोबारा फ्रॉड करने की बात की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ गया ना? हाँ एक और बात, हम इधर पासपोर्ट के लिए आए हैं और इधर ही रुकेंगे, और जब तक आईडी नहीं मिलती हम टस से मस नहीं होंगे। तेरा दिमाग खराब है क्या? मास्टर चिल्लाएगा, ऐसे मिलने आ जाओ। पर रुकने के लिए तो थोड़ा मुश्किल है यार। अरे राजेश इधर आ रहा हूँ। ठीक है चल निकल। माफ करना भाई। बोला ना निकल। यहाँ तेरे इस एरिए के आसपास 1500 रुपए में कोई किराए का घर मिलेगा क्या? बोलिए। इसके ना कान में कचरा है, थोड़ा चिल्ला के बोल। क्या मिलेगा? नेसा कैसा है ये गंजा ही दला लेके? किसको घर चाहिए? इंदू जूनियर। ये कहाँ के हैं? मदुरई से आया है। मदुरई में क्या सुनामी आई है जो लोग वहाँ से भाग भाग कर यहाँ चले आ रहे हैं? इसे मेरा कमीशन बता दिया है ना। दलाली के चक्कर में आपने सच में पुलिस की नौकरी छोड़ दी? और नहीं तो क्या, पुलिस में भी वही होता था। ड्यूटी पर पहुँचते ही सारे मनुष्य मेरे सामने आ जाते थे, फिर उन्हें रोज कोर्ट लेकर जाओ। इतना समय नहीं था कि घर वालों के साथ पिक्चर जा पाऊँ या मंदिर जा पाऊँ, बात बात में शक करने की आदत हो गई। पुलिस की नौकरी में जितना 30 साल में कमाता ना उतना या 3 साल में कमा लूंगा अगर दलाली अच्छी मिल जाए तो। अरे पर तू मेरे मर्द को फोन क्यों करी? बोल मुझे। मैं झगड़ा चालू है। क्या समझती अपने आप को? इस मकान मालिक के 2 बच्चे हैं, एक सऊदी चला गया और दूसरा अमेरिका में रहता है। वो या पैसे भेजते हैं जिससे ये मकान खरीदता है। अच्छा तुम मुस्लिम या क्रिश्चियन तो नहीं हो ना? नहीं क्या है, वो मुस्लिम क्रिश्चियन को मकान नहीं देता है,
वैसे ये गलत है ना? क्यों? पैसा अमेरिका और सऊदी से आता है, तो फिर वो उन्हें क्यों नहीं देता? अरे वो उसका घर है, उसकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। सर्कस कर रहा है। रात को 10 बजे बाहर का गेट बंद हो जाएगा, इसलिए लेट नहीं आने का। मेरा कुत्ता तुम्हारे साथ सोएगा तो उठाना नहीं। मेरे साथ क्यों सोएगा? अरे क्या फर्क पड़ता है, वो कुत्ता है ना, वो छोटा और घने बाल वाला है, सर्दी में गर्मी का एहसास देगा। साथ में कोई मेंटल वेंटल तो नहीं है ना? नहीं, बस वो है। सबके सामने इज्जत का फालूदा करता है। अगर ऐसा ही करना था तो मेरे को साथ में क्यों लाया? मटन मच्छी नहीं बनाना, पिज्जा बिल्कुल नहीं खाना, मेहमान आए तो जल्दी भगाना, रात को टाइम से घर आना, मेरा भाड़ा हर महीने 1 तारीख को चुकाना, और अगर नहीं चुकाना तो तुम सब बाहर जाना। ऐसे घर में रहने से तो अच्छा है कि फुटपाथ पे सो लो। पहला गो मौसी, इन बेचारे को घर चाहिए। हाँ बेचारे हैं। बैचलर है? हाँ हम दोनों तो बैचलर हैं, बस इसका घर उजड़ गया है दादी। हाँ कुंवारे बैचलर्स के लिए घर नहीं देता। समझ नहीं आता दादी गुस्सा क्यों हो गई, लगता है 60 साल में सठिया गई है। अबे ओ, यहाँ किसी को भी दादी नहीं बोलने का, सिर्फ मौसी बोलने का। हाँ। अच्छी पार्टी है, मैं अभी पहुँचता हूँ, तू वहीं रुक। अरे क्या कर रहा है? तक तो यह गली थी, आज टॉयलेट किसने बना दिया? अगर मैं इस मुकाम पे पहुँचाऊँ तो इस सब के पीछे गुरुद्वारे का हाथ है। गुरुद्वारे का? वो कैसे? आज जब मैं शहर आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, भूख से पेट में चूहे कूद रहे थे। फिर मुझे याद आया कि खाना मिलेगा तो गुरुद्वारे के लंगर में, वहाँ खाने के साथ एक आइडिया मिला। लंगर के खाने को बेचकर मैंने स्कूल बनाया, बस 10,000 दे दो तो बाकी काम भी हो जाए। अब क्या कहूँ, अब स्कूल के भिखमंगे इन दोनों को आज से ही आ रहना है। ऐसी कौन सी आग लगी है, पहले कहीं रुके थे ना, वही कुछ दिन और रुक जाओ। सुन बे, उन्हें तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी लगी, एटीएम से पैसे निकालने गए हैं, अब तुझे जो जो चाहिए ना सब का ऑर्डर कर दे, उनके आने तक यही रुके रहना। सच कह रहा है? ठीक है ठीक। बिजली का बिल तुम्हें भरना पड़ेगा। शादी में आया है क्या? आए, मकान मालिक का बिजली का बिल भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा, यहाँ यही रूल है। ठीक है सर, भर देंगे। पानी मिलेगा क्या? कहाँ के हो? मदुरै। कौन दूर है? मदुरई। इसकी मदुरई वालों से क्या दुश्मनी है, पानी तक नहीं मदुरई चेन्नई दोनों सौतन है, इसलिए एक नहीं होती। कैसी हो? इस घर में कुंवारी लड़कियां रहती हैं। अरे ये शरीफ है, चाहो तो शराफत का सर्टिफिकेट देख लो। पहले भी एक सर्टिफिकेट वाला आया था, एक लड़की को भगा ले गया। कोई बात नहीं सर, थैंक यू, बचा के रखना। ठीक है ठीक है। हाथी के बच्चा आगे चलना। जय गणपति बप्पा। इसका तो स्पेलिंग ही गलत है, इसका सनमाइका गायब है। रावण का दरबार है, हमेशा सर झुका कर दिख लो। मैं कह रहा था ना कि लड़की पटाना बहुत आसान है लेकिन घर ढूंढना बहुत मुश्किल। ए वसवराज, मैं आ रहा हूँ, वहीं रुको। हेलो सर, मैं चाय वाले की दुकान तक पहुँच गया हूँ। किस कलर की शर्ट है आपकी? काले रंग की। पिछली बार भी आपने वही शर्ट पहनी थी, एक ही शर्ट है क्या आपके पास? ए भाई जरा ढंग से नहाना। नहीं नहीं आपसे नहीं कह रहा। ए पारसार्थी, तुम्हारे इलाके में कोई घर है क्या? क्यों तुम्हारे इलाके में क्या सब लोग सड़क पे सोते हैं? ये भी कोई घर है? सामने इतना बड़ा गेट, पीछे खुल्लम खुल्ला। एकदम आलीशान मकान है, 24 घंटे यहाँ पानी है, बिना दरवाजा खोले या समंदर की हवा आती रहती है। ये घर छोड़ने के बाद लोग अपने नए घर में जाते हैं, इसीलिए मकान मालिक इसे ठीक नहीं करवाता और बिल्डर इसे पैसे देते हैं मकान ठीक ना करवाने के। वैसे भी करके एक घर दिलवा दे यार। चिंतामणि है? नमस्ते। हाँ नमस्ते। ऊपर वाले घर के लिए पार्टी है। मिल गया, सारे नियम बता दिए। हाँ, सब बता दिया। चाबी चाहिए थी घर। अरे बंद नहीं है, ऊपर वाले के भरोसे ही छोड़ा है। ठीक है, ये घर जवाई बन कर आया था, मकान मालिक बन गया, देखा क्या जमाना आ गया है। ताई ना पैर अंदर रखो, क्या हवादार घर है, हवा महल इसी को देखकर बनाया था। मेरा कमीशन कम मत कर देना बस। मुर्गन, ये छत तो कभी भी गिर सकती है। हाँ, अगर पसंद नहीं है तो अपन उस स्कूल वाली भिखारी के घर चलते हैं ना। नहीं नहीं अच्छा है, आसमान नहीं दिख रहा है। क्यों भाई साहब, घर कैसा लगा? लाखों में एक, बहुत अच्छा है। चिंतामणि, पड़ोसी का घर नहीं है, तेरा घर है, अंदर आके बात करना। अरे इन्हें अकाले के टाइम पर आऊंगा। अगर वो पूछे शादीशुदा हो तो हाँ कर देना। और अगर पकड़े गए तो? अरे वो हरिश्चंद्र की औलाद, ये बता तुझे घर चाहिए कि नहीं? हाँ, बोल दूंगा, बोल दूंगा। भाई साहब, बैचलर हो क्या? नहीं नहीं, शादीशुदा है। तो भाभी जी को नहीं लाए? वो प्रेग्नेंट है इसीलिए नहीं है। किस्मत तुम्हारी बहुत अच्छी है जो भाभी ने खुला छोड़ दिया है। एक मेरी बीवी है जो मुझे खच्चर समझती है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? काम निकालने के लिए बोलना पड़ता है। और सुनो, यहाँ पर मकान लेने के लिए ये पहली शर्त है, इसलिए चेहरे पर घबराहट मत लाओ, खुद पर कंट्रोल रखो और मुस्कुराते रहो।
अब अगर 9 महीने के बाद भी उसे मेरी बीवी नहीं देखी तब क्या बोलूंगा? तो कह देना कि वो बहुत गोरी है, यहाँ धुएं से काली हो जाएगी। उसने कहा है कि जब तुम घर में एसी लगाओगे तो मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाऊंगी। यहाँ पर कौन कौन रहने आया है? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और ये। कबाब में हड्डी? नहीं हड्डी नहीं, इन्होंने मेरी माँ से मुझे गोद ले लिया। तू क्या इनके साथ पैकेज डील में आया? करेक्ट आंटी, मेरी माँ ने बोला था च्युइंगम की तरह चिपक के रहना, तभी से लगा पड़ा हूँ। किराएदार जी, आपने अपना नाम नहीं बताया। सर मेरा नाम पप्पू है। और वाइफ का? कार मेघा है। मेघा कार में पैदा हुई थी? वो ऐसे जैसे कार के साथ मेघा है तो कार में। समझ गया समझ गया। तो पैदा होने पर कार फ्री मिली थी है? तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, जाओ खाना बनाओ। मैं हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर वाले ने इसमें डॉल्बी सिस्टम लगा के भेजा है? अग्रीमेंट कैसे मिलेगा? जैसे ही तुमने घर में कदम रखा एग्रीमेंट का मीटर चालू हो गया। मेरा दोनों हाथ ले लो। वाओ। ए, क्या है ये सब? नौटंकी पे जा रहा है क्या? ए, नाने के लिए बाल्टी, सोने का तकिया मैट, और मच्छर मारने के लिए गदा। खून चूस लेते हैं, मलेरिया हो जाएगा ना। अबे गधे, 15,000 वैसे ही एडवांस में दे दिया, पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं? अरे झाड़ पे नहीं उगते तो क्या, लंदन जा रहे हैं ना, कमा लेंगे वहां पे जाके, कोई शक है क्या? चुप कर, रख दे। ए, चुपचाप बिल बना। दाएं की बाएं? दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़। राइट। नेसा ये ले अग्रीमेंट। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 16/5/85। 30 साल का हो गया, लगता नहीं है। थोबड़े से तो 40 साल का लग रहा है। ए, बजाऊं क्या कान के नीचे? सर इधर वाइफ वाला कॉलम में एक लड़की का नाम लिख दो। ओके ओके सर। सर अब तक मेरी शादी नहीं हुई। अरे हमको मालूम है मैन, ब्रिटिश काउंसलर बैचलर को वीजा इशू नहीं करता है ना, उसको लगता है अगर वाइफ और बच्चा होएगा तो आदमी वापस लौट कर आएगा ही। अरे क्या सर, वाइफ और बच्चों को इन लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट समझ के रखा है क्या? तुम कोई नाम लिखो मैन। पर ये तो धोखेबाजी है ना सर। अरे अगर फॉरन जाना है तो नाम तो लिखना ही पड़ेगा ना मैन। अरे मौका मिला चौका मारो, क्या धोखा हो सकता है? बैट बॉल खेलना है। ए लिख, पी तमन्ना है। ए पी क्या? पी फॉर पांडी, मिसेस तमन्ना पांडी। और तू लिख पी अनुष्का शेट्टी। अरे कोई भी नाम लिखने के चक्कर में अपने मकान मालिक की बीवी या बेटी का नाम मत लिख देना, अगर पुलिस वेरिफिकेशन करने आएंगे तो फंस जाएगा मैं। ध्यान से। कार मेघा कुड़ली। क्या कार मेघा? मेघा सुना था कार? मेरे दिल में आया तो मैंने लिख दिया, पासपोर्ट के लिए लिखना पड़ा। ए, इससे पूछ क्या लिखा इसने। तूने क्या लिखा था बे? पी तमन्ना। क्या? ए, पूरा नाम तो पूछ। तुम लोगों की बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। ए, देख तुझे बेवकूफ बोल रहा है। मुझे बेवकूफ बोला? तेरे बाप का बाप हूँ मैं। क्या करूंगा? क्या करना है पहले फैसला कर। मैं रोक नहीं तो डस लूंगा, समझा? तूने मुझे बेवकूफ बोला ही कैसे? सेंचुरी पूरी हो गई। इस हादसे में हमारे जाने माने सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर जगन राव किस्मत से बच गए हैं, वरना आज उनकी बोलती बंद हो जाती। कैमरामैन सुकुमार प्रजापति के साथ मैं कमलेश कार्मेघा। सीधे बैठिए, लेंस में देखिए, दोनों अंगूठे वहां रखिए। अपनी टोपी निकालिए। टोपी? अरे ये मेरे बाल हैं। चिड़िया का घोंसला लग रहा है, ठीक करो। कर दिए। लेंस में देखो, हो गया, फोटो सेशन नहीं हो रहा है। थंब वहां रखो। पासपोर्ट क्यों चाहिए? सर फॉरेन जाके पैसे कमाने। जब पढ़ाई यहाँ पे की है तो वहाँ क्या करने जा रहे हो? सर वहाँ जॉब ढूंढने का काम करेंगे। यहाँ कितने साल से हो? दो साल से सर। अब, सर ये क्या है? इतनी गर्मी में आए ना, रख लीजिए। हमारी जीप में सरकार ने एसी लगाया है, हम नहीं लेंगे। आप नहीं लेंगे तो बच्चों के लिए? बच्चे मेरे हैं, तुम फिक्र मत करो। ठीक है सर। इस घोंचू को कहीं देखा है? थोड़ा इज्जत से बात करो सर। सर हमारा पासपोर्ट कब आएगा? आएगा आएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा।
अगर तुम लंदन में बिना वीजा के पकड़ा गया तो वो तुमको 2 हफ्ता के लिए कैंप में रखेगा, उसके बाद तुमको वर्क परमिट दे के छोड़ देगा। अगर वहाँ तुमको काम नहीं मिलता तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हर महीने 400 पाउंड भीख के माफिक भत्ता मिलेगा। इधर के हिसाब से कितना? इधर के हिसाब से 40-45 हजार होएगा। तो मतलब उधर खाट बिछा के आराम से सोएंगे तो भी गवर्नमेंट अपने को महीने का 45 हजार बैठे बैठे दे देगी? हाँ बिल्कुल। अरे पप्पू, अंग्रेज तो बड़े संत आदमी थे, तो उनको भगाने की क्या जरूरत थी? तू छुप रहे ना। अरे इतना ही नहीं, 4-5 क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, और अगर तुम उधर बैंक अकाउंट भी खोल लेगा तो बहुत सारा लोन भी मिलेगा। और अगर उधर 6 साल रुक गया तो जिस घर में तुम रहेगा वो घर तो तुम्हारा हो ही जाएगा, और जब तुम इंडिया वापस लौटेगा तो 40-50 लाख खैरात में मिलेगा। अच्छा तो वहाँ की सरकार हमारा इतना ख्याल रखती है तो लोग धोखा क्यों देते हैं? आम खाना गुटली क्यों गिन रहा है? वो लोग जो चुरा के ले गए उसका क्या? हमारा देश पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, जो अभी मुर्गी बन चुका है, कोई भी खा जाता है। दलाल भाई एक सेल्फी लेते हैं ना? नहीं, मुझे शर्म आता है, तुम लोग पोज दो भाई। दलाल हो, शर्म का क्लिक कीजिए ना सर। कैमरा किधर होता है पता है ना? ऊपर ऊपर सर, चश्मा दो ना। भाई साहब ये पानी का कैनवा खाली करके काम का वापस करा। ए अंदर आके ले ले चल। का हो मदुराई से हो? हाँ बे, तेरे को कैसे पता? अरे वहाँ के लोग चतुरी लाल है, कहीं भी रूम ले लेते हैं। मतलब? अरे भैया तुमका नहीं पता यहाँ कौनो लटक गया था, अपनी बहना का गहना बेच के आया था, सोचा विलायत जाकर पैसा कमाकर वापस आऊंगा, उसका प्लान अटक गया, ससुरे यहीं फांसी पे लटक गया। फांसी की रस्सी भी नहीं निकाली और कमरा रेंट पर दे दिया। भूत भीत का तो लफड़ा नहीं है ना? नहीं सा, यहाँ पर कोई लटक के मरा है और मुर्गा ने हमें बताया क्यों नहीं? आला तेरे को पता था कि नहीं? गूंगा क्या बोला रे? ये गूंगा ये बोलना चाहता है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अगर एक मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे किराएदार जी, क्या हुआ, खुले में क्यों सो रहे हो? घर मुर्दा घर बन चुका है, बोल रहे हैं खुले में क्यों सो रहे हो? इसके डायलॉग का लेवल मेरे कान तक नहीं पहुंचा। वो क्या है कि अंदर बहुत सारे चूहे हैं, वो तो है, अंदर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, तो हमने सोचा हम बारिश हो जाए। अच्छा सुनो, बाहर सोने के अलग से पैसे लगेंगे। अलग से क्यों लगेंगे? हम घर के बाहर सो रहे हैं तो भाड़ा कम करने की बजाय बढ़ा क्यों रहे हो? अबे अंधे, वो सर पर क्या लगाया है? वो तुमको समझ में नहीं आएगा, सो जाओ। क्यों भाई साहब, वो भाभी अभी तक नहीं दिखी, कहीं मिस्टर इंडिया की घड़ी तो नहीं पहनी है? मैंने आपको बताया था ना मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, बस 3 महीने हो गए और 6 महीने के बाद आ जाएगी। ठीक है। तुम्हारे बिन में कितना दिन ऐसे सोएगा? मुझे छोड़ के क्यों गया? मैं तुमको मना किया था, मेरे पास आओ, इधर उधर क्या देखती? चौंकने का जरूरत नहीं, आंख मत पड़ो मेरी में ना, तुमको प्यार है ना? क्या हुआ? दुनिया में सब उल्लू है। हंस रहा है ये, लगता है खाली सपने में ही बात करता है, आगे से सुला के ही बात करेंगे। अबे जेड़े, कमीना हमको बेवकूफ बना रहा है। सही बोला यार। हमारी ओड़े नेसा, एक गाना करके दिखाना। है गाना? गाना नेसा, थोबड़े पे पत्थर मारूंगा ना 32 ही बाहर आ जाएगी। रात को चंपा गली को बुला रहा था, आजा आजा बाहों में समा जा, हमने सब देखा। सॉरी सर, मेरा इरादा तुमको नुकसान पहुंचाना नहीं है, वो मेरा फैमिली इधर आया था, वो गुम हो गया। क्यों? मैं श्रीलंका से आया, कुछ दिन पहले मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ श्रीलंका से भागकर बोट में यहाँ आया, पर मेरा फैमिली साथ से के बाद कहीं खो गया। मैं तब से अपना वाइफ और बच्चा को ढूंढती लेकिन मिला नहीं। हाँ तो उसके लिए मिसिंग का पोस्टर लगवा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा। हम इधर रेफ्यूजी, पुलिस में कंप्लेन किया वापस भेज देगा। वो तो ठीक है, पर तूने हमसे क्यों झूठ बोला? हम अगर हिंदी में बात करता तो पता चल जाता मैं इधर का नहीं है, फिर उसके बाद हमको पुलिस जेल में डाल देता। ऐसे कैसे जेल में डाल देगी तुझे? तू फिक्र मत कर, आज के बाद बिंदास अपनी भाषा में बात कर। इसी वजह से मैं और पप्पू लंदन जा रहे हैं, तू बाथरूम में जा। पासपोर्ट तो पक्का बन गया, बस लंदन के वीजा का इंटरव्यू अच्छी तरह से देना पड़ेगा।
लेकिन इसका नूडल जैसा बाल देखकर लगता नहीं कि वो लोग इसको सेलेक्ट करेगा। क्यों दलाल भाई, क्या मैं शक्ल से चोर दिखता हूँ? गधे की तरह काम करूंगा। अरे मैं तुम उधर काम तो तब करेगा जब वो लोग तुमको उधर भेजेगा। अरे अंदर आओ ना जी। क्या कर रहा है? देखो एक चमत्कार हो गया, सुबह उठते ही गुंगा बोलने लगा। दलाल भाई इसकी जबान आ गई है तो खुशी में पेड़ा बांटो ना। महीने तुम्हारे अकाउंट में 8,50,001 रुपए डाले और मेरे अकाउंट में तकरीबन 20,35,000 डाल दो। इतनी औकात है तेरी? अरे तो डाल देना, वो क्या तेरी जेब से जा रहा है क्या? ना ये मेरी जेब से जाएगा और ना ये तुझे मिलने वाला है। ये वीजा इंटरव्यू के लिए पासबुक में 6 महीने का एंट्री दिखाना जरूरी। अब इस बोगस पासबुक के लिए बोगस साइन। काका चलो फटाफट कारीगरी दिखाओ। ये क्या किया काका, आखिर में पोछी क्यों छोड़ा? जैसे चेहरा बदलता है वैसे ही सिग्नेचर भी चेंज होता है। ओ, ऐसा क्यों? जैसे दिन रात बदलते हैं सिग्नेचर भी बिल्कुल वैसे ही बदलता है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो वो नकली लगेगा। दद्दू आपकी इतनी अच्छी कला है, इसे आप कब्र में ले जाना चाहते हैं? जरा सोचिए, अगर आप लुढ़क गए तो आपके साथ आपकी कला भी लुढ़क जाएगी, तो दूसरे विदेश कैसे जाएंगे? सही पकड़े हो, मेरी बात मानो, मुझे अपना चेला बना लो। ये एक जंग है जंग, सामने वाला तुमको हराएगा पर हारना नहीं है। तुम जितना मोटा उतना कॉन्फिडेंस। अगर मान लो वो तुम्हें पास नहीं करना तो तुम क्या करना? मैं उसकी हड्डी तोड़ दूंगा। वो सवाल पे सवाल पूछेगा, वो इतना ऊंचा बोलता सर में दर्द, उसका आवाज सुन के कान पड़ता। अरे नेसा, अभी अपन झूठ बोलने में उस्तादों का भी उस्ताद हो गया, बस देखते जाए। वहाँ झूठ बोल के तुम्हारी दाल नहीं पकने वाली, वहाँ झूठ के तड़के के साथ होशियारी का अजवाइन भी बहुत जरूरी। इसके बाद लड़ना। डोंट वरी, हिम्मत रखो, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। ए चल लंदन। फाड़ के आता हूं। ए जल्दी कर, जल्दी कर, बकरा आ रहा है। बकरा मतलब सर नमस्ते, मैं तृप्ति न्यूज की रिपोर्टर हूँ सर। जो लोग जॉब के लिए फॉरेन जाते हैं मैं उन पर न्यूज कवरेज कर रही हूँ। आप कुछ बोलेंगे सर प्लीज? मैंने इंटरव्यू ना देने के लिए कसम दी है सर। बस 5 मिनट, कुछ भी बक दो सब चलेगा। हमको माँ प्यारी है। बस सर 5 मिनट, चल दूसरा बकरा ढूंढते। नंबर 33। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज पप्पू। नाइस नेम, आई लाइक योर नेम। थैंक यू सर। तुम हिंदी में बात करो, मुझे हिंदी आता है। तुम क्या काम करते हैं? कुछ नहीं सर, किराए से काम चल जाता है। मेरे नाम पर 4 घर हैं, 4 साबुन की फैक्ट्री है सर। मूड फ्रेश करने के लिए और रिलैक्स होने के लिए मैं लंदन जा रहा हूँ। तुम्हारा बीवी भी है, वो क्यों नहीं जाते? हाँ? मेरी वाइफ पेट से है सर, प्रेग्नेंट सर। लॉन्ग ट्रेवल नॉट अलाउड ना। कंग्रेचुलेशंस। धन्यवाद सर। वैसे तुम हमारा ही लंदन में घूमने के लिए क्यों जाना चाहता है? सर 400 साल पहले अंग्रेज यहाँ आए थे, हमारे शहर की हरियाली की वाट लगा कर रख दी। मरीन ड्राइव पर बिना चप्पल निकाले चढ़ जाते, ये तमीज है। हमारा कोहिनूर हीरा ले गए, मैंने तो कभी नहीं पूछा क्यों आए। अब हम लंदन जाएंगे, उनको तमीज सिखाएंगे और कोहिनूर का हीरा ले आएंगे। और हमारे ताजमहल के सामने वहाँ की रानी का राजमहल भी बहुत फीका है। तुमने ताजमहल पहले देखा है? अब नहीं सर। आई वेंट देयर लास्ट ईयर, बहुत सारो छे। चौकस। तुमने दिल्ली का लाल किला देखा है? कलर तो निकल गया होगा सर। चेन्नई के पास का महाबलीपुरम? नहीं नहीं देखा सर। आगरा का किला देखा है? आज शाम को जाऊंगा सर। शाम को? नंबर 34। अबे मुझे उल्लू का पत्थर समझा है, पहले अपना देश घूमो, उसके बाद तुमको यूके का वीजा मिलेगा। सर सर वो जगह तो यहीं पर है ना सर, मैं कभी भी घूम लूंगा सर। तो लंदन कंट्री भी वहीं रहेगा, फिर घूम लेना। सर 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 बचपन से लंदन जाने की तमन्ना है सर, वहां से आने के बाद मेरे पास टाइम ही टाइम होगा सर। यहाँ पे तो वीजा भी नहीं लगता, कभी भी देख लूंगा सर। आप वीजा बना दीजिए, तब तक मैं घूम के आता हूँ। I'm sorry. सर मेरी बात तो सुनिए। एक्सक्यूज मी सर, मैं वहां से वापस आऊंगा सर। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है सर, मैं वहां रुक नहीं सकता ना, दूसरा बच्चा होने वाला है। काजू कतरी खिलाऊंगा सर। तुम कितना भी मस्का लगाओ मैं नहीं मानूंगा। आप लंदन नहीं जा सकते, आई एम सॉरी। नेक्स्ट। नंबर 35।
हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तुम लंदन क्यों जाना चाहते हो? हैं? क्या तुम इंडियन हो? हैं? क्वालिफिकेशन क्या है? सॉरी सर। ए, एक मिनट, मुंह क्यों लटका जे? हाँ, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया? क्यों? जो तूने कहा मैंने भी वही कहा, फिर भी रिजेक्ट। अंदर होशियारी के अजवाइन के साथ झूठ का तड़का मारा? वो अंग्रेज का बच्चा मुझसे कहता है कि तुमने ताजमहल या लाल किला देखा है कि नहीं। तुमने क्या कहा? अरे जब नहीं देखा तो नहीं कहूंगा ना, फिर पूछता कि आगरे का किला देखा है। क्या बोला तुमने? मैंने कहा शाम को देख लूंगा, रिजेक्ट कर दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, सूरज डूबने वाला है ना जी। अच्छा वो पांडा का है? क्या पता। आगे आगे क्या हुआ? पता नहीं क्यों दिल जोरों से धड़क रहा है। क्यों, क्या कहा उसने? उसने बोला मैं लंदन जा सकता हूँ। क्या? उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने तुझे सिलेक्ट कर लिया? हाँ तो ताजमहल के बारे में पूछा था। हाँ पूछा था। क्या बोला तूने? मैंने बोला देखा है। सबको चूना लगा रहा है, गांव से पहली बार तो निकला है। हाँ तो ये बात तुझे पता है ना, उनको थोड़ी पता है। अगर मैं उनको ना बोल देता तो इतने दिनों की मेहनत का गुड़ गोबर हो जाता और लंदन में नहीं जा पाता। दिन भर तो झूठ बोलता ही हूँ, और जिस झूठ से काम बने वो तो पक्का बोलना चाहिए। झूठ क्यों बोला तूने? झूठ क्यों बोला? मेरा वीजा फिक्स हुआ है तो मुझ पर जल मत। देख मेरा कॉलर शॉट फट जाएगा। हिंसा नहीं अहिंसा। वैसे भी इसका मोटा चमड़ी पर असर नहीं होगा। अब सुनो, आज के इस घटना से तुमको सीख जरूर मिला होगा। तुम्हारा एक झूठ भी तुमको लंदन पहुंचा सकता था। ऐसा ये ना इंसाफी है ना, जब दोस्त पास हो गया तो इसको खुश होना चाहिए ना। सिखाएगा पास होकर? मार मत, पहले बोलता हूं तेरे को, वरना शराब दे दूंगा, और ऐसा शराब दूंगा कि तेरे बच्चे भी कभी विदेश नहीं जा पाएंगे। ए ए, तू विदेश जा रहा उसकी वजह सिर्फ मैं हूं। ए पप्पू सॉरी यार। उस इंग्लिश मुर्गे ने जरूर तेरे अंदर का फायर देखा होगा। फायर से याद आया, मेरे बाजी इसका नंबर था ना, वो एक नंबर की पटाखा थी। किसका फोन है? दीदी का फोन है। अबे तो देख क्या रहा है, उठा ना। ए, ए। हाँ दीदी, जीजा जी कैसे हैं? ए, जरा गोबर को फोन देना। वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। अरे गधा कहीं का। हाँ दीदी बोलो। क्यों रे, काम निकल जाने के बाद अपनी बहन को ही भूल गया क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है। ए, तू लंदन जा रहा है या नहीं? इंटरव्यू देने तो गया था, पर पांडे सिलेक्ट हो गया। मैं वहाँ 6 महीने के बाद दोबारा जाऊंगा। ए, ये क्या बोल रहा है? तुझे छोड़ के उन लोगों ने उस मोटे भैंसे को सिलेक्ट कर लिया? दीदी बात क्या है बोलो ना। एक गड़बड़ हो गई रे, मैंने तेरे जीजा को कहा तो लंदन में ही है। क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की? अरे 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 अरे, अरे, अरे ए, अपनी बकवास बंद कर, दिमाग में गोबर घुस गया क्या? हा? अगर तेरे जीजा को पता चल गया ना तो जीना हराम करके रख देंगे। अगर तू भाई है तो 6 महीने तक यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। अब चाहे बिल में छुप या गुफा में, बस इधर मत आना वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। फोन कट करो। हाँ कट कर, सारे नल्ले मेरे ही पल्ले पड़े हैं। लगता है उस बुड्ढे ऑफिसर को मेरी छींक बहुत पसंद आ गई, इसलिए वीजा दे दिया। इसको तो उल्टी करना चाहिए था। आ रहा है, गरम चाय की तरह उबल रहा है। बोला था ना। अरे यार पप्पू, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मुझे वीजा मिल गया है और मैं लंदन जा पा रहा हूँ। सो गया क्या? ए, क्या करता है? बहुत ओवर एक्टिंग करता है तू। यही मैं मार दूंगा, फिर लंदन तू नहीं, तेरी डेड बॉडी जाएगी। छोड़ दे इसको मैन। अगला इंटरव्यू 6 महीने बाद है, तब तक तो अपने गांव क्यों नहीं चला जाता? हाँ तो 7 लाख उधार देंगे आप मुझे? ए दलाल, ये बहन का गहना बेचकर शहर में आया और साथ ही साथ वीजा के लिए ना जाने कितने सारे लोगों को लूटा है। इतनी मेहनत के बाद ये भला गांव क्यों जाएगा, है ना पप्पू? मैं कोई काम कर लूंगा। ओके यहीं पे। चलो फिर से। बढ़िया। तू इस चिड़िया घर में काम करेगा? अकाउंट वाला जॉब है ना? हाँ। चालू रखो, मैं आता हूँ। अरे तू टेंशन मत ले। तो अब बोलो क्या है? सर ये लड़का राजेश का दोस्त है, काम के लिए आया है। नमस्ते सर। ठीक है रख लो काम पे। थैंक यू सर। चल हो गया तेरा काम। थैंक यू सर। बैठो। अरे बैठो, लग रहा है ना अकाउंटेंट? सही लग रहा है। काम ठीक से करना। जी, जी, जी सर। हम्म,
This is a form of folk art of India. Very unique and precious. आजा खा जाऊंगा जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब ठीक है ना? ठीक हो जाएगा सर। क्या ढूंढ रहे हो? पेन ढूंढ रहा हूँ, यहीं पर था। थैंक यू। आ जाओ, खाना तैयार है। ये मेरा पूरा लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ कि किसी का वीजा इतना जल्दी आ गया। मरेगा जादू दलाल। कमाल हो गया। ए चरकोट, आंखें सेक ले। ए थूका क्यों? चुप ना। ए झिंगोर, अभी मैं लंदन का लंगूर हूँ, समझा? ए जिस वीजा पर तू इतना इतरा रहा है ना, वो टूरिस्ट वीजा है, समझा क्या? हाँ, जो भी हो, तेरे को मिला क्या? क्यों दलाल, क्या बोलते हो? हाँ, लंगूर को हूर मिल गई। काका बताइए, वो लड़का कैसा है? कौन? अच्छा, वो नया लड़का। बढ़िया है। कोई कमी? कोई कमी नहीं है, वो ईमानदार है और अपना काम अच्छी तरह से करता है। आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये लो 3,00,000 रुपए हैं, 11 बजे तक बैंक में जमा करा देना। हाँ, आप चलो। कौन सा राजा ऐसे चलता है? घूसखोर पुलिस वाले लग रहे हो। गाइस, स्टानिस्लावस्की ने हमें बताया है कि जो बाहर है हम उसे अंदर से कैसे निकालते हैं। देखो, कॉस्ट्यूम तुम्हें राजा का एहसास दिलाती है। अगर राजा की ड्रेस पहनी है तो राजा जैसा सोचो तुम। नहीं नहीं, तुम बैठो। पप्पू। हाँ? हाँ ठीक है, बढ़िया, अब आ गया हो। ऐसा चलते वक्त तुमने क्या सोचा बताओ? सर, राजा की तरह सोच रहा था सर। सुना तुम सबने, जैसे ही आप मेकअप करते हैं आप उस किरदार को अंदर से जीने लगते हैं। थैंक यू। ठीक है, जाओ। सर 1,000 ज्यादा है सर। मैं जानता हूँ। क्या ये गुरुजी ने मुझे देने के लिए कहा है? नहीं, ये उन्होंने देने के लिए नहीं कहा है, मेरी तरफ से है। अरे रख लो, एंजॉय। तुम्हारे माँ बाप कहाँ, यही है या गांव में? मेरे माँ बाप नहीं है सर, सिर्फ एक बहन है, जीजा के साथ गांव में रहती है। शादी हो गई तुम्हारी? अभी तक नहीं सर, जब तक करियर नहीं बना लेता शादी कैसे कर सकता हूँ सर। अजीब है ना, अच्छा कमाने के चक्कर में हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, हम जीना ही भूल जाते हैं। क्यों? कितना? लंदन की ठंडी के लिए ये है कैसा? उससे अच्छा तो ये वाला है। ये तो भंगार लग रहा है। पांडा, अगर तुम नया नया पहनेगा ना तो तुम्हारा बांडा फूट जाएगा। अच्छा यही होगा कि छेद वाला स्वेटर पहनो। तो तेरी तरह मैं भी भंगार ले लूं? अयो स्वामी। सर, मान लीजिए उन्होंने मोटू को वहां पर पकड़ लिया, तो क्या इसे कुत्ते की तरह पीटेंगे? नहीं नहीं, वो लोग पीटेंगे नहीं, वो लोग इसको घसीटेंगे। अच्छा सर, अगर वहाँ इसका पासपोर्ट किसी श्रीलंकन ने चेक किया और उसे पता चल गया तो वो कुत्ते की तरह पीटेगा? नहीं, ऐसा नहीं होएगा। मोटे, मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए भाऊ, शुभ शुभ बोलो, इसको वहाँ अच्छे से पहुँचना। सर सर सर, एक मिनट सर। क्या बात है सर? कुछ झोल झपाटा हो रहा है, एंट्री में 40,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी आंखों से देख लीजिए सर, ये देखिए, ये देखिए। हाँ, मैं समझ गया, तुमने अकाउंट बनाया है, ठीक से टैली करो, हो जाएगा। सर कम है तो टैली कैसे होगा? अरे थोड़ा बहुत चलता है। हाँ। देख, मास्टर को मत बताना।
ए, मास्टर को देखा है? पैसा बचाने के लिए वो ऑटो से चलते हैं और मैं उनसे धोखेबाजी करूं? तुझे क्या जरूरत है उसके लफड़े में पड़ने की? उसी की वजह से तुझे नौकरी मिली है। वो चाहता तो ए, कंपनी के लिए ईमानदार होना चाहिए या जिसने काम दिलाया उसके लिए? हाँ, तू भी तो लफड़ा करके फौरन जाने की सोच रहा था ना, वो कुछ नहीं। तो क्या अपने काम से गद्दारी करूं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। देख, मैंने फॉरेन जाने के लिए फ्रॉड किया है मैं मानता हूं, पर वहां जाके किसी को लूटूंगा क्या? बोलना। दलाल जी, आपने कहा था लंदन पहुंच के अपने पासपोर्ट और वीजा को जलाकर राख कर देना। मैंने बहुत सोचा पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया, क्यों सर? क्योंकि तुम किधर का ये प्रूफ उनको मिलना नहीं चाहिए। दलाल जी, इंडियन पासपोर्ट मिल गया तो क्या हो सकता है आगे? अगर तुम्हारा इंडियन पासपोर्ट उनको मिल गया तो वो तुमको श्रीलंकन कैसे मानेगा? इसी के वास्ते बोला। हाँ पांडे, टेंशन नहीं लेने का मैन। ठीक है, आ गए। नमस्ते सर। इन 2 सालों में मैंने तुमसे कभी हिसाब मांगा? उसको मत देखो, उसका जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूं तुमसे। नहीं सर, वो क्या है? अब तक कितना पैसा चुराया है इसने? सर मैंने चोर नहीं कहा सर, सिर्फ एंट्री में 40,000 रुपए कम पड़े। नहीं मिल रहा है ना, यानी इसी ने चुराया है। सर मैंने पैसे नहीं चुराए। मुझे हिसाब किताब देखने में तकलीफ होती है, इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने तुझे दी थी। सर माफ कर दीजिए, मैं आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा सर, विश्वास कीजिए, लौटा दूंगा सर। पैसा तो तुम जरूर लौटा दोगे, इस पर जो मेरा विश्वास था उसे लौटा पाएगा ये। निकल, निकल, चल यहां से, माफ कर दीजिए। निकल जा। सर, 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 मेरी फैमिली है सर। हर गलती करने वाले की फैमिली होती है, बेईमानी करते हुए नहीं सोचा कि फैमिली है। ए, तुम सब यहां आओ, कम यहां। तुम लोग खुद को एक्टर्स कहते हो हैं? तुम लोग एक्टिंग के लिए घर बार और नौकरी छोड़कर आते हो और छोटे छोटे रोल करने के लिए 2 महीने रिहर्सल करते हो, लेकिन इसको देखो, 2 साल से ये इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, क्या मुझे पता चला? He is a great actor. You have to learn from him, not from me. इसलिए चल निकल यहां से। कमीना। सर क्या है? बेचारे को माफ करना। बेटा बेचारा बेचारा करके आज ये हाल है मेरा। जानते हो ये मेरे पास कैसे आया था? इसने मुझे बताया था कि मेरा पुराना मैनेजर बेईमान है। मैंने इसको ईमानदार समझा, पर ये तो उससे भी बड़ा बेईमान निकला। खाक बेचारा, शक्ल से पता ही नहीं चलता कौन बेईमान है कौन अच्छा है। दरवाजे का हैंडल किधर है? कहीं पे देख नहीं रहा है। फ्रिज ही उठा लूं क्या? ए पप्पू, ए शादी में खाने गया था? नहीं रे, एक झंडू मिल गया था। वो देख, फ्रिज के अंदर घुस रहा है। पांडा, टेल मी नेसा, तुझे बोला था ना भिखारी बन के जाना? अभी तो इंग्लैंड के आदमी से बात कर, जबान संभाल के बात कर, वरना इंग्लैंड की रानी नाराज हो जाएगी। तू तलाइवा का टी शर्ट पहन के जाएगा, तुमको पता चल जाएगा तो इंडियन है। चल पटापट से निकाल और जाके चेंज करके आ, उसके बाद ही जाना। क्यों, अमेरिका का टी शर्ट पहनूंगा तो अमेरिका का हो जाऊंगा? बोल तो ऐसे रहा है जैसे ये कोई टी शर्ट नहीं बल्कि वीजा है। एक काम करता हूँ, नंगा चला जाता हूँ। अरे बोलने का स्टाइल चेंज कर। ए निशा, बता रहे इसको क्या बताने का था? कुछ नहीं बताना, तू लंदन में लैंड करने के बाद इस टी शर्ट को बदलना। अब जल्दी से दफा हो जाए, चल निकल। बड़ा आया क्या, इधर खाना नहीं मिलेगा? पहले तू अंदर जाना। मैं तो अंदर चला ही जाऊंगा, तुम लोग भी दफा हो जाओ, बारिश आ गई तो अटक जाओगे, गटर के गड्ढे में गिर गए। जा, तो? जा। कैसे हो चौकीदार साहब, बाल बच्चे सब ठीक है ना? बाय बाय। बाय। लग रहा है इसके बुरे दिन शुरू हो गए। तू यहाँ शू करे छे पांडी, क्यों गयो? वो कुछ जरूरी काम था, तू यहाँ कैसे? एला हमारा पगार नहीं दिया ना, तो आंदोलन के लिए 500-500 रुपए में भीड़ इकट्ठा करके लेके आ गया। तू तो पूरा गांव ले आया। और नहीं तो क्या, बड़े बड़े खाटला तोड़ रहे थे, वो छोड़। तेरा जीजा मिला था, बोल रहा था तू विदेश जा रहे। हाँ जाने वाला हूँ, कल की फ्लाइट है। एला तेरा वो लंगोटिया पांडी क्यों गयो? वो चला गया। तेरे को अकेला छोड़ के?
अरे एड़ा, हीरो की एंट्री धासु होनी चाहिए ना, तो उसी की तैयारी करने गया है वो सब छोड़ है? तूने मुझे ना देखा ना मिला है? और इस वक्त मैं फॉरेन में हूँ, अगर गांव में ये बात किसी को पता चली ना तो जानता है ना। चल अब निकल जा, जाओ जय श्री कृष्ण। छछुंदर कहेगा एक छोटी सी चिंगारी जंगल जला के राख कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही एक छोटा सा झूठ पूरी जिंदगी का कबाड़ा करके रायता फैला सकता है। सुनो बच्चों। जी मास्टर जी। एक खुशखबरी है तुम सबके लिए। उतारो मुझे। लंदन इंटरनेशनल प्ले फेस्टिवल में हमारा नाटक सेलेक्ट हो गया है। ओके। सुनो, शांत हो जाओ सब लोग। जिनके पास पासपोर्ट है वो काका को दे दो, और जिनके पास नहीं है वो जल्दी बनवा लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जी मास्टर जी। सुनो मिस्टर पप्पू, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। सर क्या हुआ? कैसे सर, मैं तो नाटक में हुई नहीं। काका। मैनेजर, मैनेजर बन गया। नाटक की प्रॉपर्टीज फिर से बनवाने। सर थैंक्स सर। अरे ठीक है ना, इसमें क्या है, जाओ तैयारी करो। ए, तेरी शादी हो गई? नहीं तो क्यों? इसके अंदर किसी कार मेघा का नाम लिखा है। मैनेजर साहब को विदेश जाने का भूत सवार था, इसलिए ये सब किया। बावला कहीं का, इधर आ। क्या हुआ? इससे फॉरेन जाने के लिए घपला किया। पागल कहीं का, अगर ये बात मास्टर जी को पता चल गई ना तो पता है क्या होगा? क्या होगा? वो रूरल एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तेरी चमड़ी उधेड़ेंगे और उसमें ठूस ठूस के भूसा भर देंगे, समझा? अब एक काम कर, इस पर व्हाइटनर लगा और उसके बाद ही मास्टर जी को दिखाना। ठीक है ठीक है। अगर धोखेबाज का कैरेक्टर है तो हमें धोखेबाज बनना पड़ता है। जीजा आ गया। वो देखो आ गया। आइए आइए साहबजादे। नमस्ते जीजा जी। आप कब आए? ये है तेरा लंदन। एलिजाबेथ कहाँ है? जीजा लंदन बहुत दूर है यहाँ से, जाने में टाइम तो लगेगा ना। ए, लंदन का नाम लेके तूने मुझे चूना लगाया, अपनी बहन को भी चूना लगाया। बहन का पैसा खाएगा तो नरक में जाएगा, कीड़े पड़ेंगे। ए, जीजा को धूप में खड़ा किया है, देख कितने गर्म होंगे। ये अंदर नहीं जाएंगे। अंदर तो इनका बाप मेरा, मतलब जीजा जी आइए ना। आपको बुला रहा है, इतनी हिम्मत हो गई तेरी? जुबान फिसल गई थी, प्लीज चिल्लाइए मत, पड़ोसी सुन। मेरी जुबान नहीं फिसली, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मांगते वक्त गायब बना, अब भेड़िए की तरह नोच रहा है, बांस की तरह चिल्ला रहा है। देखिए यहाँ चिल्ला के इसकी इज्जत का फालूदा मत कीजिए। इज्जत भिखमंगों की कोई इज्जत नहीं होती। जिस इज्जत की बात कर रहा है ना तू, वो ईमानदारी से कमाई जाती है, अपनी बहन और जीजा को लूट के नहीं। अच्छा सिला दिया तूने। जीजा जी, दीदी के जो गहने गिरवी रखे ना, वो पापा ने दहेज में दिए थे, इतना याद रखना। अरे चुप करना। ए, क्या कहा तूने? बाप ने दहेज चढ़ाया और तू लूटने चला आया। भूल गया कि मैं तेरी बहन को 7 साल से पाल रहा हूँ? रोटी कपड़ा मकान क्या नहीं दिया मैंने उसे? अच्छा है, बहुत अच्छा सिला दिया तूने, अच्छा सिला दिया। जीजा जी क्षमा चाहूंगा, चमड़ी की ज़बाने फिसल गई। मैं तुझे जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। क्या चल रहा है सर? आगे जीजा प्लीज हंगामा मत करना। बताओ क्या प्रॉब्लम है? Who are you? मेरे मास्टर, मास्टर है? मैं सर के साथ काम करता हूँ। सर ये मेरे जीजा जी, ये मेरी दीदी को 7 साल से पाल रहे थे, यही बता। ये कुछ नहीं बताएगा सर, मैं बताता हूँ आपको इसने क्या किया। लंदन जाने के नाम पे इसने ठगी की और हमें लूट लिया। क्या चबड़ चबड़ किए जा? ठीक है, कितना देना इन्हें? सर आप क्यों, मैं हूँ ना। अरे मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6 लाख है। ये जल्दी दे देगा, भरोसा कीजिए। हाँ मैं दे दूंगा लंदन से आके। ए छी, लंदन जाऊंगा, तू यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तू तकलीफ मत कर, लंदन खुद आएगा चलकर। देखिए मैंने इसे काम दिया है और लंदन भी मैं ही ले जा रहा हूँ, ये जल्दी पैसे दे देगा। अगर इसने नहीं दिया तो मैं दे दूंगा। सर सर रहने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं मामला समझ सकता हूँ। इनको खाना वाना खिलाओ। नया पासपोर्ट बनाने का टाइम वाइफ का जगह पर किसी का भी नाम डालने को सकता है, लेकिन उसका नाम निकालने के वास्ते बहुत पापड़ बेलना पड़ता है मैन।
ठीक है मानता हूँ सर, लेकिन अगर पासपोर्ट खो गया तो उसकी जगह नया भी तो बन सकता है ना। हाँ बन तो सकता है, लेकिन डुप्लीकेट पासपोर्ट पर भी पुराना डिटेल्स ही होगा, तो उसके बाद भी नाम निकालने का जरूरत तो पड़ेगा ना, तो फिर अभी क्यों नहीं। ठीक है सर, इसको भी छोड़िए, हम एक नया पासपोर्ट बनवाएंगे नई डिटेल्स के साथ, जिसमें लड़की का नाम ही नहीं रहेगा, बैचलर दिखाएंगे, ये कैसा रहेगा। नया डिटेल्स भरने से कुछ नहीं होएगा, अपना फेस का क्या करेंगे मैन, चाहे तुम्हारा अंगूठा का निशान हो या तुम्हारा आँख का कलर, सब तो कंप्यूटर में पहले से स्कैन्ड है ना। मैं आइडिया देता है, अपने मास्टर के पास जाके सच का उल्टी कर दो। मिस्टर नेसा, बड़ी मुश्किल से तो मेरी गाड़ी पटरी पे आई है और तू चेन खींच रहा है, मास्टर भगा देगा। मतलब तू मास्टर के डर से नाम निकलवाना चाहता है, इतनी हेर फेर करेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर सोच ले। ए नेसा भैंसा, क्या रे, जब ऊपर वाला तमीज सिखा रहा था तो क्या तू भीख मांगने चला गया था। सुरसुरा रहा। एक पासपोर्ट ऑफिसर है, वो तेरा हेल्प कर सकता है। बैठो बैठो, बोलो काम क्या। सर, पासपोर्ट में से बीवी का नाम निकालना है। कार मिया गा, बड़ा अजीब नाम है जी। क्या तुमने उससे डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स सर, मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई। नहीं सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी पड़ोसन का नाम पासपोर्ट में लिख दिया। आईपीसी 1967 इंडियन पासपोर्ट एक्ट के तहत जेल में तुम्हें चक्की पिसेगा। सर, ये मेरी पड़ोसन का नाम नहीं है सर, उसका नाम तो कुछ और है, मैं अभी जानता नहीं हूँ, पर जैसे ही पता चलता है मैं आपको बता दूंगा सर, तब तक आप मेरा काम कीजिए। अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अगर मैंने नाम निकाला तो ये लोग मुझे दूध के मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। देखो आ गया डायनासोर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डायनासोर। ये डायनासोर कौन है। नया पासपोर्ट ऑफिसर, बहुत कड़क, ये बोलता कम थूकता ज्यादा, मुंह से गंदा बास आता। उससे जाके बात करूं। तेरा दिमाग खराब है क्या। सर, कोई चोर दरवाजा नहीं है क्या। गवर्नमेंट के प्रोसीजर के मुताबिक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक काम करो, बाहर जाओ, उधर तुमको पान वाला मिलेगा, उसको बोलना कि मैंने भेजा, वो ऐसे मैटर का पक्का खिलाड़ी। पानी क्या कर रहा होगा। किसी गोरी चमड़ी वाली के साथ सन बात कर रहा होगा। बहुत नसीब वाला है। ए, उसकी फिकर हो रही है। वो एक नंबर का चालबाज है, डिज्नीलैंड के मजे ले रहा होगा वो। हेलो, पता नहीं कौन है, मिस्ड कॉल दे रहा है। पप्पू, पान वाला। बिल्कुल सही कहा, पान वाला। नमस्ते सर। नमस्ते। पासपोर्ट से पापा का नाम हटाना है। अरे नहीं नहीं, एक ही पापा है मेरा, वाइफ का नाम हटाना है। वाइफ का, समझ गया, पहली से लड़ाई हो गई। एक्चुअली गलती से मिस्टेक हो गई, बिना शादी के मैंने वाइफ का नाम डाल दिया। उन्होंने आपको बताया होगा ना। मुझे बताया तो था, पर क्या बताऊं कि वो बहुत ही झंझट वाला केस है। हाँ, और नहीं तो क्या। तुमने कहा कि तुम बैचलर हो, तुम्हारी कोई वाइफ नहीं है, मतलब ख्याल ही पलाओ। अब इस पलाओ से पीछा छुड़ाने के लिए बड़ा लॉयर करना पड़ेगा। लॉयर क्यों सर। उसके बाद ही तुम्हें तलाक मिलेगा। ए, मैं उस वकील से मिल के आता है, ठीक है। ओ, इसको बोलो 7,000 रुपए देने के लिए। इसके पास तो पीने के पैसे नहीं है, मतलब पानी, ये 7,000 कहाँ से देगा। इसके पास नहीं है तो तू अपना जेब से दे दे। महंगाई कितना बढ़ गया, सूख के काटा होगा, इलाज क्या देगा बोल। 1500 तक दे पाएगा ये। 1500 पर पड़ेगा। नहीं, इसके पास बहुत पैसे है, ये अंबानी का ड्राइवर है। ये तो चुप कर पहले इनको निपटने दे। सुनो, इतना बड़ा जगह नौकरी करता है, 7,000 रुपए नहीं दे सकता क्या। सर रहम करो, मुझे टीबी हुई है तो पूरा पैसा। तंबाकू बीड़ी पिएगा तो यही चोएगा। 200 रुपए बढ़ा सकता हूँ। हाँ 200 और बढ़ा देते। बोलो मैडम, इतने में मंडोली होगा। ये मेरी फीस तक नहीं दे पा रहा, 7,000 कहाँ से ढीला करेगा बताइए। अरे बाबा, एक्सक्यूज मी, तू जाकर दूसरे कोर्ट में देख ले। मैडम, एक्टर बलवान खान का डिवोर्स यही हो रहा है। एक्टर बलवान खान का डिवोर्स हो रहा है। हाँ, किधर। अरे मैं बता नहीं रही, पूछ रही हूँ, इधर तो नहीं है। एक्टर बलवान खान का डिवोर्स हो रहा है। हाय, वीजा ऑफिस, इंटरव्यू, याद है ना। यहाँ कुछ सवाल पूछ लूँ क्या। मैं नीचे जाके वेट करता है। हाँ तुम जाओ, मैं आती हूँ। सर सुनिए ना, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। अच्छा चलो 2 मिनट सुनिए। अरे क्या दिमाग खराब करके रखा है, समझा समझा के गला सूख गया है। न ये मान रहा ना वो मान रही है, अभी तुम लोग खुद ही फैसला करो। मैं जा रहा है, काहे के लिए जज बना मालूम नहीं। अरे सर इधर इधर, ये पप्पू है और ये नेसा है। सर का नाम मां मुनी है, प्यार से मुन्ना बोलते हैं। जी नमस्ते। सॉरी थोड़ा टाइम लग गया, चलते चलते बात करें। तो क्या चाहते हो तुम, व्हाट शुड आई डू फॉर यू। मैं डिवोर्स चाहता हूँ सर। मिल जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा
वैसे साथ नहीं रह पा रहे हो या मारपीट हो गई है? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बस आप कुछ भी करके डिवोर्स दिलाइए। कुछ भी करके दिला दो? हाँ दिला दो। ओके, तुम्हारी बीवी का कहीं अफेयर चल रहा है? जब बीवी है ही नहीं तो कहाँ से अफेयर होगा? तो टपक गई क्या? नहीं नहीं अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। शादी भी नहीं हुई है? हाँ। तब तो हमें बैठ कर ही बात करनी पड़ेगी। आज तुम्हारे लॉयर गिरी की परीक्षा है। आदमी और औरत का आपस में डिवोर्स कराना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जहां औरत ही ना हो। इस तरह का केस मेरी जिंदगी में पहली बार आया जिसमें डिवोर्स के लिए एक ऐसी औरत है जो दिमाग में रहती है। मतलब औरत तो है नहीं तो तुम डिवोर्स किससे लोगे? उलझन भरी पहेली है। लेकिन सर, तुम टेंशन मत लो, डिवोर्स हो जाएगा। लड़की पेड़ पर उगाओगी? सर पहले पेपर पे इसकी शादी करवा देते हैं, फिर उससे झगड़ा करवा देंगे। हाँ, फिर? हाँ। उसके बाद दहेज का केस, लड़की का एफिडेविट, तो हो गया ना तलाक। अगर एफिडेविट बनवाने जाएंगे तो उसमें आईडी प्रूफ का ओरिजिनल भी लगेगा और फिर पहली तारीख को दोनों का हाजिर भी होना पड़ेगा। जरूरी नहीं है ना सर, जज से कह देंगे ना मियां बीवी दोनों राजी हैं। जज को थोड़ा खिला देंगे ना सर, और थोड़ा सा हम दोनों के लिए भी तो रखना पड़ेगा। हो जाएगा। ओके, तुमने मुझे ऐसा केस दिया है जिसका ना कोई सर है और ना ही पैर है, फिर भी मैं ये केस लड़ूंगा। मेहरबानी। इसके लिए एक ही रास्ता है। इस्लाम की एक लड़की को लेकर आओ और उससे आईडी प्रूफ मांग लो। अरे बाप रे, इस नाम की लड़की मिलेगी कहाँ सर? पर उगाओ, मुझे क्या मतलब है। अब जाओ, पहले इस नाम की लड़की खोजो, तभी होगा। अच्छा एडिटर को बोल दो कोई बकरा नहीं मिल रहा, मैं और मसाला तैयार करती हूँ। ठीक है, जूनियर आर्टिस्ट होगी ना सर, मिल जाएगी। ना ही तुम्हें कार मिलेगी और ना ही मेगा मिलेगी, पर कुजली जरूर मिलेगी। सुनिए, चटनी दीजिए, डाली सेंटर में डाली। ए, तेरे को पक्का मिल जाएगी ना? कौन सी बड़ी बात है, बीवी मिल जाएगी, चुप चुप खाओ। ए, कादे से अपना खाना खा रहा है? भाई साहब मैं आपके घर में आके झांक रहा हूँ क्या? मुंह मारने की आदत है क्या? खाइए ना। कमला पूजा सुषमा, ए ये औरत कैसी रहेगी? अरे यार ये फ्रेंड की अम्मा है, ना कुछ सुनाई देता ना दिखाई देता। जानता है इसकी बेटी का नाम भी मेगा ही है, बस एक प्रॉब्लम, मेगा से कार मिसिंग। क्या जरूरत था मेगा के साथ कार जोड़ने का? आज तेरा केस सॉल्व होता था। अगर तेरा उसके साथ शादी होता तो उसके साथ कार आता, असली वाला, मेगा को कार में बिठा के घुमाता। चला दो, और ज्यादा बोला ना तो जिंदगी भर के लिए शादी करवा दूंगा। हाथ धो ना, पैर क्यों धो रहे हैं? हम लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी हुई है, हम इसका विरोध करेंगे। सरकार को हमारी आवाज सुननी ही होगी। नौकरी की चाह में टूरिस्ट वीजा पर जाने वाले तो ये भी नहीं जानते हैं कि क्या वहाँ जाकर। जब देखो इंटरव्यू, पहली बार पासपोर्ट ऑफिस, बाद में कोर्ट में दिमाग खराब कर रही थी। आजकल फेक न्यूज बहुत चलता है। इंतजार कीजिए, चमेली न्यूज के लिए कैमरामैन सुकुमार प्रजापति के साथ मैं कार मेघा कुडली। कार मेघा? क्या बोला? सुना? हाँ यार। भाभी जी डाइवोर्स वाली, हम औरतों को बचाएंगे अपनी आखिरी सांस तक, इसीलिए तो पॉलिटिक्स में आया हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन औरतों को घूंघट में रहना चाहिए। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी में औरतों की सुरक्षा। आप तो जानते ही हैं कि आजकल छेड़खानी की घटनाएं कितनी बढ़ गई, पर मीडिया मेरी बातों को मसाला लगाकर पेश करती है। सर हमारा काम किसी भी बात को मसाला लगाकर तलना नहीं है, ना ही झूठ फैलाना। दिन भर झूठ तो आप ही लोग बोलते हैं। अरे भाई कोई स्टूल लेकर आओ, बेचारा नीचे बैठकर फोटो ले रहा है। रहने दीजिए सर, यहाँ पर कार में कार कहाँ है? कहाँ है? अरे सर कार नहीं, वो कार मेगा रिपोर्टर। सर देखिए कार मेगा फर्स्ट रो में बैठी हुई है। सर आप अभी वो बैठ के जो सोच रहा है उसके पीछे भाभी है, वो देख सामने। So you mean to say it's all wrong? तो औरतों को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक नहीं है? Now you'll decide. Sorry sir, don't take any offense. But हेलो मैडम, आप हिंदी चैनल से है ना? हाँ सर। तो हिंदी में पूछिए ना। ठीक है सर, शुद्ध हिंदी में पूछती हूँ। यदि आप अनुचित ना समझे तो अपनी ज्येष्ठ पुत्री को उचित परिधान पहनने का आदेश क्या आपने नहीं दिया? तो मेरी बेटी पर इल्जाम लगाती हो? मैंने अपनी बेटी को भारतीय संस्कृति की पूरी शिक्षा दी है। ओ ऐसी बात है क्या? एक क्षण रुकिए। सामाजिक संचार पृष्ठ पर ये चित्र देखा? ये मेरी बेटी की तस्वीर नहीं है, फोटोशॉप। फोटोशॉप क्या तुम लोगों ने? नहीं है सर, ये असली तस्वीर है। भैया जी को बदनाम करिए, जल्दी निकलिए यहां से। मैं क्यों जाऊं?
ए रुक जा एक मिनट, दिखा फोन, दिखा, बोला ना जल्दी फोन दिखा। हाथ लगा के दिखा, हाथ तोड़ दूंगी। अरे जाओ ना, रुको, आखिर क्या किया है मैंने? जहाँ भी जाती है वहाँ आफत खड़ी कर देती है। तो क्या मुंह बंद करके झूठ सुनती रहूं? जहाँ भी जाती हो मुसीबत खड़ी करती हो। जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करना है। वो जाए, मैं नहीं जाने वाली। जा यहाँ से। मैं नहीं जाने वाली, मैं यही रहूंगी। एक झाप कर दूंगी, मुंह संभाल के बात कर, समझा? तुम्हारे की चल, मार मुझे, मार। क्या हुआ? मुंह से गंदी बदबू आ रही है, जा पहले जाके ब्रश कर। माहौल बहुत गर्म है। रुक, तेरी भाभी मुसीबत में है। उसका मुसीबत खत्म हो जाएगा, हमारा मुसीबत आने वाला है। आज की नारी सब पर बारी, बोल गया तू? भाभी से बाहर मिलेंगे। ए चलना। ठीक है, जा रही हूँ। वो दिखा गई आगे। बाप रे, निकल लेता हूँ। भाग कहाँ है? मैं नहीं जाऊंगा। अगर नहीं गया ना तो मैं जूते से मारूंगा। वो चलेगा मेरे को? कैसा कमीना दोस्त है? कमीना? तुझे तेरी गाली नहीं देने मेरे को। तेरे बाप की कसम, पूरे खानदान की कसम, नहीं गया ना तो मैं तेरा खून कर दूंगा। प्लीज गो, नाइस बॉय। क्या मुसीबत है। एक्सक्यूज मी बाबू जी, मैडम जी, तुम यहाँ कैसे? फेस टू फेस बात करना। हाँ बताओ ना। आपको इंटरव्यू चाहिए था ना? हाँ। हम देने को तैयार, कब लेना है आपको? अब क्या फायदा, मैंने एक गधे का इंटरव्यू लेके चिपका दिया। मैडम मैडम, हमारे पास एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, इसको चला डाला तो चैनल झिंगा लाला। रियली? हाँ हाँ। क्या मैटर है? न्यूज का सोर्स इधर ही है। ए ब्रो, कम। हाँ हाँ। ये मेरा बचपन का दोस्त, जवानी में खेलते खेलते हम लोग श्रीलंका से इधर आ गए। वो ये गूंगा है मैडम, ये बोलने में कठिनाई। इसका भाषा मेरे पास। आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम गुड। इधर इसको ठंड लगता, कहीं और चल के बात करें क्या? हाँ, टेल मी, बात क्या है? बात आपको पता है रावण श्रीलंका में था, पता है ना? हाँ पता है। उसी श्रीलंका में इसका फैमिली रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग मच्छी पकड़ता। अच्छा, श्रीलंका में ये नाम कौन रखता है? है ना, पूरा गांव है, वो लोग भी सुबह सुबह मच्छी पकड़ता है। वहाँ एक कोजो के 50 पप्पू बनाने वाले मिलेंगे। ओके। एक दिन तो? इसकी माँ को सपना आया कि इसके साथ इसकी प्यारी अम्मा लंदन में पिज्जा खा रही है। तो इसकी माँ ने पिज्जा खाने की टान ली। इसकी माँ को तो वीजा मिल गया, लेकिन इसका वीजा ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया। इसके पासपोर्ट में प्रॉब्लम। तब इसने कहा, प्यारी माँ तुम चली जाओ, जाओ और चैन से पिज्जा खाओ, मैं आता है। अब बात यह है कि माँ तो चली गई, ये भी लंदन जाके माँ के साथ पिज्जा खाना चाहता है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इसके पासपोर्ट में बस छोटा सा प्रॉब्लम, गलती से एक मिस्टेक हुआ, डिटेल का एंट्री करते वक्त बीवी का नाम डाल दिया। तो इसमें मैं क्या करूँ? बात ये है, अगर उसी नाम के इंसान का डॉक्यूमेंट मिल जाए तो डॉक्यूमेंट के जरिए डिवोर्स मिल जाएगा। फिर पासपोर्ट से बीवी का नाम निकाल कर ये पिज्जा खाने चला जाएगा। अच्छा, तुम लोग किसी लड़की को कहोगे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो और वो दे देगी? सब इतना हलवा है क्या? ओरिजिनल नहीं चाहिए, हमको डुप्लीकेट भी चलेगा, जेरोक्स। फिर इसका सारा तकलीफ दूर हो जाएगा। ऐसे लड़की तो एकदम बिंदास होगी, है ना? सोसाइटी को अपने ठेंगे पे रखती होगी। और साथ ही वो लड़की बहुत हेल्पिंग नेचर की होगी, है ना? आजकल ऐसी लड़कियां नहीं बनती। सर, ऐसी आवाज तो कुत्ते करते हैं ना, इंसान नहीं करते। अपनी आवाज थोड़ी कम कीजिए आप प्लीज। इसको जाने दे, तेरी खोट खड़ी करता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? पप्पू, पासपोर्ट, पासपोर्ट। थैंक्स बोलो मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने थप्पड़ नहीं मारा तुम्हें। इडियट्स, कहां कहां से आ जाते हैं। बाल बाल बचे, वरना तो वो लड़की हमारा काल उतार कर रख देती। चुप रह सर, वो केटली की तरह गर्म हो गई थी। एक बात का ध्यान रखना, कहीं वो इसकी न्यूज़ ना बना दे। छे, वो बहुत अच्छी लड़की। अच्छे तो सभी होते हैं, बाद में जेब काटते हैं। हां तो पैसा बैंक में रखना चाहिए। छोटा छे, पहले नोट दिखाओ फिर बताता हूँ। तो तारी पास है क्या? बाबा लाड़ो सुट्टा था सांडा का दादा, तो तू दे दे। छुट्टा नहीं है सर, आगे जाइए।
सर वो नाके पे भिखारी है ना वो दे देगा सर। पुलिस वाले को छुट्टा नहीं मिल रहा है, ये असली पुलिस वाला है या नकली पुलिस वाला है? अच्छा बता, पुलिस वाले को देखकर तेरी हवा क्यों टाइट हो गई थी? वो इसलिए क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ का नहीं बाहर गाँव का है। और उस रिपोर्टर के सामने तू गूंगा क्यों बन गया था? सर मैं तो बोलने ही जा रहा था पर इसने उसको बोल दिया कि मैं गूंगा हूँ। अब अगर मैं मुंह खोलता तो इसकी बोलती बंद हो जाती। ओहो ये तेरा आइडिया था ना, काश जज के सामने हम भी ऐसा कर पाते। सर ये रास्ता फेल हो गया, कोई और? उस लड़की के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से झगड़ कर बाहर आई थी तब उससे क्यों पूछा? किसी और समय पूछना चाहिए था ना। एक काम करो ना, जैसे ही अकेली दिखेगी ना उसके पैर पकड़ लो। इज्जत विज्जत का मत सोचो, काम होना तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। हे हाय, हाय, कैसी हो? आई एम गुड। बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मुझसे मिलने? तुम दोनों यहाँ पे भी आ गए? चलो निकलो यहाँ से। क्या बक रहा है ये? आप सुंदर? हाँ मैं जानती हूँ, चलो निकलो। यो मारेगी, चल निकलो। इतनी देर से धूप में खड़े हैं, सुबह से कुछ खाने तक को नहीं मिला, बहुत दूर से आए हैं, पिपरी गांव से, पपैया बहुत मिलता है। जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा ये यही खड़े रहेंगे। आए, आए। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? दफा हो जाओ। ए, चला। हाँ माँ बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। हाँ सब ले लिया। आए, आओ यो। अबे कहाँ गई? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? गुगे। अरे वो बोतल कब चुराया? अगर मेगा को पता चल जाता तो? वैसे आज बहुत खुश लग रही थी। थी वो? मेरा बीवी और बच्चा बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। पता नहीं वो लोग कैसा होगा, किस हाल में होगा, मुझे लगा वही होगा। सब ठीक हो जाएगा। पप्पू। सर जी बोलिए ना। हमारे पासपोर्ट का क्या हुआ? सर पासपोर्ट खो गया है। पासपोर्ट खो गया? अब तुम लंदन कैसे जाओगे पप्पू? अप्लाई किया है सर, आ जाएगा जल्दी। पक्का ना? हाँ सर। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें याद है ना? जानता हूँ सर। ये आपको पूछता आप कैसी हो? इसने आपको दो बार कॉल किया था, आपने इसकी बात का जवाब नहीं दिया तो? ये क्या माँ, कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा और तुम कॉफी पिलाओगी? कॉफी नहीं दी है, पानी दिया है। तुमने पूछा वो लोग कौन है, किसके आए हैं? वो कोई खबर देने आए हैं, सुबह से तेरा फोन ट्राई कर रहे हैं। तेरा फोन लगता है क्या? बेचारे इतनी दूर से गाड़ी भाड़ा खर्च करके आए हैं। वो देख तेरी कितनी अच्छी पेंटिंग बना के लाए हैं, उन्हें ऐसे ही भगा दूं, कॉफी भी नहीं पिलाऊं? उस लंबे लड़के को देख, दिखने में कितना स्मार्ट है, अपने लिए ऐसा ही लड़का ढूंढना। हर जगह आपको दामाद ही क्यों दिखता है? आ, 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 आ,
क्या चाहिए तुम दोनों को? आपको तो पता ही है मैडम हमें क्या चाहिए। कितना भी मक्खन लगा लो मैं पिघलने वाली नहीं। सुनो, अरे कार सेवा, यही नाम है ना इसका? ए भाई, उसका नाम कार महंगा है यार, मार्केट में इतनी कारें आ गई याद ही नहीं रहता। बादाम खाना। तुम भिखारी फिर से भीख मांगने आ गए। हमें भिखारी कहती है? भिखारी बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे हमारे हाथ में कटोरा दिखा क्या? दूसरी बार मत बोलना, इंटरेस्ट नहीं मिला तो चलेगा लेकिन पैसे पूरे आने चाहिए। लड़की ध्यान से सुनो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ अपने इंटरेस्ट से प्यार है। ए, तेरे को ब्याज क्यों नहीं मांगता? लेना इससे। इंटरेस्ट चाहिए? शक्ल देखिए अपनी, चप्पल खाएगा मेरी? कल मुहे यहाँ पैसे मांगने आए हैं, रोज रोज की किटकिट, जिंदगी नरक बन गई है। पर मेघा है ना, इन लोगों से नहीं डरती, बल्कि ऐसों को तो मुट्ठी में रखती है। ये तो मैं अच्छे से जानता है। अच्छा तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? इनका मदद करने के लिए। तुम मदद करोगे? हाँ। मेघा की? हाँ। चींटी कभी हाथी की मदद नहीं कर सकती। हाँ। समझे तुम? अभी देखना उन्हें लात मार के भगाएगी। दफा हो जाओ, वो तुम्हारे पैसे दे देगी। तुमने पैसा दिलाया, अब तुमसे ही लेंगे। उसने पैसे लिए हैं तो मैं क्यों दूँ? वो देगी। एक मिनट, चलो जवाब। क्या रे, लड़की को अकेला देख के तुम तीनों मर्द बनता है? ज्यादा अकड़ मत, लगता है तुम लोग बलवंत राय के आदमी हो। उसका नाम मत लेना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। बोल मैडम कितना पैसा लिया? हेलो, मैं उनसे बात कर रही हूँ। कितना पैसा? 13,000 रुपया। 13,000 रुपए पे उतना ही करना चाहता है तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 13,000 रुपए निकाली? 13,000 ना? हाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? पैसे देने की जरूरत नहीं है। अरे ले, 2,2, 2,4, 2,3, 6, 2,5, 10, 2,6, 12, 7, 15। ये तो 15,000 है। तुम तीनों मैडम को दो बार सॉरी बोलने का, कितनी बार बोलने का? एक तो पैसा भी दिया और सॉरी भी बोले। नया साल आने वाला है, मैडम को सॉरी बोलो। तू चुप रहे, सॉरी मैडम। अब कट लो, अब चल। मेरा हिस्सा दे। तो तुझे पहले कह रहा था, अगली बार देखा तो बॉटिक बॉटिक कर देगा। तो क्या करता भाई, असली हीरे को एक जौहरी पर रख सकता है। सही बोला। तुम्हारी अकल घुटने में है बेटा। माँ चुप करो तुम। तुमने जो पैसे दिए वो मुझे नहीं चुकाने थे। मेरी दोस्त ने पैसे लिए थे, मैंने गारंटी ली थी। अब भूल जाओ अपने पैसों को। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मौका दिया तुमने? तुम्हें तो दानवीर बनने की बड़ी जल्दी पड़ी थी ना। वो पैसा मेरा नहीं था, इसका था। बेटा मदद करने वालों से क्या ऐसे बात करते हैं? विविध भाती बंद कीजिए माँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। दफा हो जाओ। अरे समाज सेवक, आइए बैठिए। ओ तानवीर, आइए ना बैठिए। माफ कर देना। हाँ हाँ, माफ कर दिया। अच्छा ये बता, लड़की देखते ही हीरोगिरी का कीड़ा काटने लगता है, तो क्या बोला था एक बार वापस? वो पैसा लो, दफा हो। वाह क्या बात है, वो पैसे तेरे बाप ने दिए थे? मैं उनसे पाई पाई वसूल करेगा। अरे बात क्यों बदल रहा है, पहले एक बात तो पूरी कर, है ना? ये जो 15,000 रुपए दान दिए ना, उसमें मेरे 2 महीने का पूरा खर्चा चलता। रस्सी, पासी। लाइट्स ऑन। ठीक है, सुनो पप्पू। Okay. हाँ सर। पासपोर्ट का क्या हुआ? अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है सर। पासपोर्ट ऑफिस में जान पहचान है मेरे, कहो तो बात करूं। जाने दीजिए ना सर, वो लोग खुद भेजेंगे। समझ गया, शॉर्टकट नहीं लेना चाहते, अच्छी बात है। गुड। अरे सुनो ब्रजेश। मास्टर मैं राजेश हूँ। जो भी हो मेरे कैबिन में आओ। अभी से सटिया गया है, मेरा नाम भूल गया। तू अभी अभी आया, तेरा नाम याद है? आसमत। ए लाइट्स ऑफ। हेलो कौन है? हेलो निशा है क्या? निशा नहीं, वो यहाँ नहीं है। आप कौन? मैं कार मेघा कुडली बोल रही हूँ। क्या? कार मेघा कुडली। पप्पू है क्या? हाँ यहीं पर है, लेकिन वो तो गूंगा है, कैसे बात करेगा? मैं ये जानती हूँ, तुम फोन दो उसे। पप्पू तुम्हारा फोन है,
आया। कोई तुमसे बात करना चाहती है? आया वो आया। आ रहा है भाई, चल क्या रहा है? हेलो पप्पू, मैं कार मेघा बोल रही हूँ। पप्पू नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लो, बात कर लो। हेलो पप्पू, आया। कार मेघा बोल रही हूँ, सुनाई दे रहा है? तुम्हें मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे ना, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। कल कब मिल सकती हो? मॉर्निंग में मिलना है या इवनिंग में मिलना है बताओ? सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। मॉर्निंग में मिलने के लिए एक बार हाँ बोलना, और इवनिंग में मिलने के लिए दो बार हाँ बोलना। मॉर्निंग ना? ठीक है, मॉर्निंग में मिलते हैं। बाय। ओके थैंक यू। सर कुछ कहना था सर? मैंने वीजा के लिए फॉर्म्स मंगवा लिए हैं, पासपोर्ट बाद में आता रहेगा, तुम अपने डिटेल्स काका को दे दो। हाँ ओके सर। अबे कमीने, ए शौक लगा गया? अबे कमीने, तू उस लड़की को उल्लू बना रहा है, वो भी गूंगा बनके। ए नेसा ने सब गुड़ गोबर कर दिया, मेरी गलती नहीं है। अरे कब तक नाराज रहेगा, गुस्सा थोक देना। फटे पोस्टर के हीरो, मेरे पैसे को कर दिया जीरो, तुझे पता है मैंने पैसे कहां कहां से उधार लिए थे? ए लेकिन पैसे जाने के बाद मदद तो कर रही है ना। ए तू अपने अंदर से ये गलतफहमी बाहर निकाल दे, वो हमारी मदद नहीं कर रही है तो फिर तरस खा रही है। कभी कभी तो लगता है कि सही में घूम रहा हूँ। अब आ रहे हो तुम लोग? हैं डिवोर्स वाली लड़की कब की आ गई है और तुम लोग बता रहे थे? चलो माफी मांगो। खाली कुर्सी देखी नहीं? कुर्सी कौन छोड़ेगा सर? चाय लोगे या कॉफी? सर तुम गूंगे हो? एक्सक्यूज मी, इसे गूंगा मत कहिए, कहना है तो दिव्यांग कहिए। अच्छा कहा, अच्छा कहा, अब से इसे दिव्यांग कहेंगे। साफ साफ कहिए मुझे करना क्या है। अपना बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं तो 10th के सर्टिफिकेट की जेरोक्स दे दो बस। फिर कोर्ट से आपसी सहमति के बाद डिवोर्स हो जाएगा और ये विदेश चला जाएगा। हाँ, पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। अगर कुछ हुआ भी तो तुम्हारे आईडी प्रूफ और मार्कशीट के जेरोक्स को ना हम उस फाइल से गायब कर देंगे। सरकारी काम में तो ये सब होता रहता है। अरे तुम डरती क्यों? अगर लगता है कि कोई कंप्लेन करने वाला है तो सबसे पहले हम लोग ही FIR लिखवा देंगे ना, यहाँ सब जुगाड़ होता है। मैं तैयार हूँ। हेलो, अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम सबको देख लूंगी, याद रखना। गड़बड़ नहीं होगी मैडम, आप शरीफ लो। ये वोटर आईडी है, इसकी फोटोकॉपी निकलवा लेना। क्या आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो मिलेगा? पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए? किस लिए? वो फॉर्म के ऊपर चिपकाना है। पर ऐसा तो उसने कहा ही नहीं था। वकील है ना, बोल गया होगा। आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही काम हो जाएगा हम डॉक्यूमेंट से आपका सुंदर फोटो निकाल के आपको दे देंगे मैडम। ठीक है, देखती हूँ। बैठ जाओ प्लीज। अम्मा क्या है, कोई पासपोर्ट साइज फोटो है क्या मेरी? कहाँ से होगी, उस दिन जब मैं और कॉपीज निकलवा रही थी तुम्हें मना कर दिया और आज मुझसे तू फोटोज मांग रही है। है तो दो ना माँ। वैसे तुझे फोटोज क्यों चाहिए, नई नौकरी ढूंढ रही है? वैसा ही कुछ। मुझे पहले से शक था, एक जगह टिक के काम भी करती है तू। पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। अम्मा कॉफी बना दोगी प्लीज? कॉफी तो मैंने बना दी है, तू ही मना करती है इसलिए नहीं दी। उनको दे दूं क्या? हाँ दे दो। बैठो बैठो। माँ ला रही है। बेटा तुम्हारी ये गंदी जींस धो दूं? एक महीने से पहन रही है। एक महीने से? हाँ माँ धो दो। ये माँ भी ना कभी कभी। थैंक यू आंटी। बेटा तुम बचपन से गूंगे हो या अभी डिफेक्टिव माल हो गए? अम्मा तुम चुप नहीं रह सकती क्या? मैं तो ऐसे ही पूछ। एक कुत्ता बचपन में इसके पीछे पड़ गया था, बचाओ बचाओ चिल्लाते चिल्लाते इसका आवाज गुम हो गया। ओके पांच कुत्ता इसके पीछे पड़ा। ओए क्या हो गया, वो क्या के आ गए हो? लाए लाए। अच्छा 10 कुत्ते थे? आयो थैंक यू।
अगर किसी लंदन वाली से शादी करोगे तो फोटो जरूर भेजना, मैं तुम्हारी वाइफ को देखना चाहूंगी। कार में का कुजली नाम का पटापट एक सिग्नेचर कर दो। ये बताए लड़की कौन है? अबे इधर देख, ये वो लड़की है जिसे बिना शादी के मैंने डिवोर्स लिया। मैं साइन नहीं करूंगा। ए, इससे पैसे लिए ना, चुपचाप साइन कर। किसी लड़की की जिंदगी में बर्बाद नहीं होने दूंगा, ये बहुत बड़ा पाप है। अरे बड़ाऊ, वो खुद ही राजी थी देख, और तू एक साइन नहीं कर सकता? साइन करनी तो साइन ही करना है ना, बता कहां पे साइन करना है? हाँ इधर करना है। बचपन में नकल मारने में सिल्वर मिला था, अब तो गोल्ड मेडल लेकर रहूंगा। देखिए मैंने आपको जो समझाया बिल्कुल वैसा ही कहिएगा। क्या हुआ, डिवोर्स लेना है? फर्स्ट टाइम आए हो? घबराओ मत, सब अच्छा होगा। शुरू में खराब लगता है, फिर बाद में आदत पड़ जाती है। मैं चौथी बार आया हूँ, कोर्ट का मैं रेगुलर कस्टमर हूँ। अच्छा ये बताओ, नई लड़की देखी? क्या है कि नाव छोड़ने से पहले दूसरे पर पैर रख देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि कोई और ही बैठ जाएगा। वो रही मेरी नाव ब्राउन साड़ी में, उसी से तलाक लेने आया हूँ। शादी के बाद शुरू में सभी प्यार से इलू इलू करते हैं, फिर बाद में। अब बैठ जाइए। क्या हुआ, डिवोर्स लेना है? ए भाऊ, भीड़ देख के चक्कर आ गया क्या? नहीं रे, पता नहीं अपना देश किस तरफ जा रहा है। शादी कम डिवोर्स ज्यादा हो रहा है। हर बात में प्रॉब्लम, यही तो सबसे आजाद लोग हैं। अरे जैसे चेंज हो गया क्या? हाँ सर, मैं सही कह रहा हूँ। क्या मनुष्य खबर दे रहा है? उसकी बुढ़ी सास मर गई। उसकी जगह कौन आया? वो खूसट शांता कुमारी। तुमने तो कहा था कि पर उसकी सास मर गई तो मैं क्या कर सकती हूँ? हम सब फंस जाएंगे। क्या हुआ सर, कोई मर गया क्या? अभी अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, निकलो। अरे फाइल तो तुम ना। हाँ? हमारा नंबर क्या है? लाएंगे ना सर। 2829-2016 पप्पू कार में का हाजिर हो। आजा आजा चलो। आ रहे हैं, जरा किनारे हटो। कहाँ मर गया था? सॉरी मैम, नमस्ते मैम। की बात हो गया तू। फंस गया था। पप्पू पप्पू ये रहा आपके सामने। कार में का कहाँ है? अब उसको कहाँ से लाऊं? क्या हुआ, मेरी तरफ देख। जी मैडम। जलेबी की तरह क्यों घूम रहा है? वो नहीं आई मैडम। लेकर आना है, पता था ना? हाँ बिल्कुल पता था मैम। डिवोर्स केस है ना? ये आपसी समझौता है मैम। आपसी समझौता है ना? तो तुझे पता नहीं कि दोनों को साथ में आना जरूरी है? तो क्लाइंट को बोला नहीं था तूने? गलती हो गई। 4 साल से यही नाटक चल रहा है तेरा। अरे वो क्या बताऊं? दफा हो यहाँ से मैडम। अगली 15 को मुंह उठा के आ जाना और लड़की को लेकर आना। ओके मैम, ओके मैम। चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। गार्डन से बच चलो ना आप जल्दी। ए अगले को बुला। ओके 1929-2016 पेरुमल भारती हाजिर हो। मैंने पहले ही कहा था, तुमने सारे किए कराए पर गोबर फेर दिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो तो है। एक सीनियर वकील को सबके सामने डांट दिया उसने। अच्छा सर 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 सर, उसको भी घुस देते ना। अरे बावला हो गया क्या तू? वो राक्षस है, राक्षस, ईमानदार राक्षस, कच्चा खा जाएगी। शांत हो जाइए, इतना टेंशन क्यों ले रहे सर, सब हो जाएगा। उसको नहीं तो किसी दूसरी लड़की को लेकर आओ ना, क्या फर्क पड़ता है? दूसरी लड़की लाओगी? एक मुसीबत तो टल रही, दूसरी गले में डाल रही। नहीं मालूम पड़ेगा, गवर्नमेंट का जो वोटर आईडी होता है ना उस पर सारी लड़कियां चुड़ैल लगती है। ये देखो लग रही है ना भूतनी नंबर 1। तो क्या हुआ? एक नंबर आइडिया मैडम। सर इनका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। नजर मत लगा इसे, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। अच्छा ये बता, शादी के फोटो का क्या करेगी? शादी का फोटो सर क्या फर्क पड़ता है, वो शादी के पहले ऐश और शादी के बाद भैंस लगने लगती है। जरा समान सवाल की बात करा। अरे मैं तुम्हें थोड़ी ना बोल रहा हूँ। औरतों के बारे में तुझे क्या पता? बच्चा होने के बाद ना शरीर जानवर की तरह हो जाता है। प्लैनेट पे देखा है, इतनी चर्बी हो जाती है ना कि कसरत कभी भी नहीं जाती मैडम। अरे मैं भी पहले ऐश थी। धीरे धीरे, यहाँ शादी नहीं हुई है और तुम बच्चा पैदा करने की बात कर रही हो। अरे बस कर, देखो इस फोटो में जैसे चुड़ैल दिख रही है ना, बिल्कुल वैसे ढूंढ के लाओ। अरे तुमको जो भी सब्जी बनाना है बना दो, कुछ कह रही हो? हाँ ठीक है खा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो बनाओगी खा लूंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं फोन करता हूँ। हाँ हाँ रायता भी फैला देना। हाँ बोलो। ये मेरा दोस्त पप्पू। हेलो सर। सर ऐसी चाहिए? हाँ मिल जाएगी। हाँ ए रेशमा,
भाई साहब कार मेघा नाम की कोई लड़की मिलेगी क्या? तू लड़की ढूंढने आया है कि गाड़ी ढूंढने आया है? इधर जो होगा वही मिलेगा। ए, अरे भेजो ना उसको जल्दी। क्या हाल है भाई, तू तो ईद का चांद हो गया। अरे वो दो तीन फिल्मों का एक साथ कॉल आया था, सबके लिए टाइम नहीं था तो इसलिए फिल्में छोड़ी दी, अब फुल टाइम थिएटर करता हूँ। ये हेलो सर। तुझे कौन से एंगल से वो दोनों इसकी तरह लग रही है भाई? मुंह पे पाउडर मारो, एक बार इनका टचअप बिचअप हो गया ना तो इनके आगे ये डुप्लीकेट दिखेगी। सर वैसे इस मूवी का नाम क्या है? बागभूत आंधी आई। इतनी भी क्या जल्दी है कि थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सके? अरे लड़की चाहिए मुझे। मैं लड़कियों का दलाल नहीं हूँ, मकान का दलाल हूँ। ब्रो अगर नहीं देगा तो मेरी नैया लंदन तक नहीं पहुँचेगी। अच्छा ये बात है, मैं तो कमाल की लड़कियों को जानता हूँ, एक 22 साल की है दूसरी 42 साल की, दोनों जबरदस्त नौटंकी बाज है। कार मेघा नाम की लड़की नहीं मिल सकती क्या? ब्रो इससे काम चला सकते हो तो चला लो, वरना भाड़ में जाओ ब्रो। अरे पर प्रॉब्लम क्या है, वो दलाल ने जो लड़की दिखाई थी उसी लड़की को कार मेगा बना के कोर्ट में ले जाए तो? चुप कर, तेरा दिमाग खराब है। पैसे देके तो कोई भी लड़की मिल सकती है। क्या बकवास कर रहा है, यही काम बचाना जब वो भी कर ले। एक आइडिया है, आरती को ही कार मेगा बना देते, कोर्ट में किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ यार तू उससे शादी करने वाला है ना? ए, मैं सिर्फ एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। अब एक अधे ये छिपकली मानेगी तब ना? वो वैसे मानेगी नहीं क्योंकि मुझसे प्यार करती है ना। चल फिर भी तुझसे पूछता हूँ। जा ट्राई कर। आरती। हाँ बोलो। कोर्ट में ना पप्पू की वाइफ बनने की एक्टिंग करनी है, तो तू करेगी कोर्ट में? हाँ बड़े 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 बड़े। हाँ मैं रेडी हूँ, कब करना है? हाँ बोल, कहाँ है तू? मैं पार्किंग में हूँ, तू कहाँ है? बस आ रहा हूँ सर, लड़की आ गई है, मैं लेकर आ रहा हूँ। हाँ। तू यहीं रुक। हाँ। अच्छा हुआ तू आ गया, कोई टेंशन तो नहीं ना? टेंशन किस बात की, मैं संभाल लूंगी। ए, तेरा डिवोर्स होने वाला, चेहरा तो मनहूस बना। हाँ। हम नाटक कर रहे हैं ना? हाँ। तो फिर मैं क्यों चेहरा मनहूस बनाऊं? अरे पर ए, हो गया ना। हाँ। चलें। पप्पू हाँ? कौन बोला रहा? ये कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयो हो। ओ, तो यही वो कार मेघा है। एक्टर बलवान खान का डिवोर्स होने वाला है, मैं उसी का इंटरव्यू लेने आई थी। कार मेघा, तुम्हारी कार कहाँ है? देखो मैं कार नहीं चलाती, मैं तो बस दिमाग चलाती हूँ। मैं क्या हूँ? कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा केस तो खत्म हो गया ना? वो आज जज ने कार मेघा को मिलने के लिए बुलाया। तो अब क्या? तो आपकी जगह हम लोग इसको लेके जा रहे हैं। तुम कोर्ट को चुना लगाओगे? पता चला तो? अरे वोटर आईडी पे किसी का चेहरा कहाँ पहचान में आता है? सारे के सारे कोयले जैसे दिखते हैं। ये लोग उसी का फायदा उठा रहे हैं। क्या है? ऑल द वे। हां मिल जाओ। चलो चल बाय। पप्पू एक मिनट। वन सेकंड। ये टेप ऑफिस में किसको बुला रही है? एडिट करना, मैं आती हूं। ठीक है, चलो मैं भी साथ में आती हूं। आएगो ये लो। यहाँ सोना मना है। ये ओरिजिनल पार्टी को कैसे ले आते? आया इनको। मैं बस साथ में हूँ, हाजिर तो वही होगी। बोला अभी होंगे। चलो चलो आ जाओ। 3514 2014 शिव स्वामी पुष्पा। हाँ पुष्पा, अब क्या हो गया? क्या बताओ मैडम, फिर वही कहानी घर घर की, एक साल से एक ही एपिसोड चल रहा है। हे भगवान, एक साल से झेल रही हो, पहले क्यों नहीं आई मेरे पास? सही कहा मैडम, इसे लगता है पेपर वाला, दूध वाला, कोरियर वाला, डिलीवरी वाला, केबल वाला, याद है कि गैस वाले के साथ भी मेरा चक्कर चलता है। क्यों रे, अपनी बीवी को धर्मशाला समझ के रखा है तूने? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस इसे दुनिया से बचाना चाहता हूँ। अंगूठा छापे की पढ़ा लिखा है? मैंने एमए किया है मैडम। लगता तो नहीं है। अच्छा सुन बेटा पुष्पा,
पहले तो तू टीवी पे हथौड़ा मार, उसके बाद इसका खाना पीना नहाना सब बंद करवा। अरे वाह, पर मैडम अगर इसने मेरा जीना हराम कर दिया तो? हाँ, ये मुंगेरी लाल तुझे कुछ नहीं कर सकता, इसमें दम नहीं है। इतनी प्यारी खूबसूरत बीवी मिली है, तुझे चर्बी चढ़ी है, अगर दिमाग का स्क्रू ढीला है तो पागल खाने जाके लेट जा। अरे इसे वहाँ मत भेजो मैडम, ये रात भर बिकने वाले पोस्टर को अपने साथ रख के सोता है। वो तो सबरीना कैफ पोस्टर से निकलती ही नहीं, नहीं तो ये उसे ही बीवी बना लेता। इसकी सारी पोल खुल रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सारी पोल खुल जाती है। 2525 2016 सुंदर सुमन हाजिर हो। क्या तुम दोनों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है? जी हाँ हो चुकी है। तो तुमने क्या फैसला किया है सुमन? दोनों राजी हैं, सहमति से तलाक लेना चाहते हैं। तेरे से पूछा? बेटा सुमन तुम बोलो। हम सहमति से तलाक चाहते हैं। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ बोल दो। जी हाँ मैडम। अच्छा ठीक है, तलाक। हाँ चल 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 चल। काउंसलिंग नहीं होगी? दोनों पार्टी राजी हो तो डिवोर्स मिल जाता है, डायरेक्ट मिल जाता है। चलता है, फाइनल हियरिंग है। लगता है आज काम बन जाएगा। तो तुम्हारी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है? बार समझाया है, वो समझना ही नहीं चाहता। तो जाओ 6 महीने साथ में रहो। वो बार बार धमकी देगा तो कोई सुनेगा क्या? इतने सारे लोगों को डिवोर्स की लाइन में देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। डिवोर्स ही लेना है तो शादी क्यों करते लोग? सब लोग ऐसा ही सोचेंगे तो हम लोग का धंधा कैसे चलेगा? तैयार रहना, इसके बाद तुम्हारी बारी है। हाँ पप्पू, याद है ना जो मैंने कहा है? ए रेडी, लड़की रेडी है ना? पार्थी किधर गई? अरे अभी यही तो थी आगे, अरे बाजू में खड़ी थी। कहाँ चली गई? आगे अभी देखता हूँ। अरे ढूंढो उसे। पार्थी तुमने ध्यान नहीं रखा, मेरा ये बैग पकड़ेंगी। मैं भी नहीं मिली तो अच्छा नहीं होगा। क्या सर आप भी अब चली गई तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? 1325 2016 आर के नारायणन गंगा अम्मा। मैडम तलाक दिलवा दो वरना साल भर में ही मर जाऊंगा। अरे झोलू, इस उम्र में तलाक लेके कहाँ जाएगा तू? कहीं भी जाऊंगा मगर इस कलमुई के साथ नहीं रहूंगा। वॉशरूम में देखता हूँ। हाँ क्या हुआ आई क्या? मैंने उधर जाते देखा था, वो चिल्लाएगी, वो डायन आज मुझे कच्चा चला जाएगी। मेरे दिल में अभी से दर्द हो रहा है। चलो भाग चलते हैं। कहाँ जाता है? उसको फंसा कर अकेला जा रहा है। अरे बिना लड़की के कैसे जाएंगे? आरती अंदर हो क्या? हाँ। कितना टाइम लगा रही, थोड़ा जल्दी करो ना यार। अरे अभी आई हूँ। ये क्या कर रहे सर? अगर आज नहीं गए तो नोटिस चला जाएगा, वो भी इसके घर पे। नोटिस? कैसा नोटिस? डिवोर्स का नोटिस। तुम्हारे घर का एड्रेस दिया है ना, नोटिस के साथ साथ 20-25 पुलिस वाले भी जाएंगे। बातें अच्छी करती हो लेकिन काम बिल्कुल नहीं करती हो। आप कुछ देर चुप नहीं रह सकते सर? मैडम सॉरी, लेकिन इसमें आपका ही फायदा है। जज के सामने आप जाइए ना। मैं क्यों जाऊंगी? मैं नहीं जाने वाली। आगे नहीं चलेगा। तू भी इसकी बात समझने लगी? अरे तुक्का फेंका था। मैडम इससे पहले कि नोटिस घर पहुंचे, हम जाके पोस्ट ऑफिस से उठा लेंगे। रजिस्टर पोस्ट है ना, अभी जब तक इसकी अम्मा का साइन नहीं होगा ना, वो किसी को नहीं मिलेगा। अम्मा को देगा? हाँ। केस नंबर 2829 2016 पप्पू कार में का हाजिर हो। जाओ ना, तुम लोग को ही बुला रहे, जाओ। अरे जाओ वरना वो सच में सर को मार देगी। नमस्ते मैडम। लेट आने की बीमारी लग गई है तुझे। दोनों को समझा रहे थे ना इसलिए। पप्पू ये है ना कारवाली मेघा, कौन है ये? ये लड़की। क्या हुआ, क्यों जिंदगी की बैंड बजाना चाहते हो? बोलोगी? तुम बोलो, कुछ भी बोल दो, बोल दो। हम दोनों मिलजुल के डिवोर्स लेना चाहते हैं। हाँ वो सब ठीक है, पर डिवोर्स क्यों लेना है? डिवोर्स लेने का कुछ तो कारण होगा ना? कोई भी परेशानी बता दो ना।
क्योंकि ये बोल नहीं सकता इसलिए। हटा ढोले, मेंशन तो नहीं किया इसमें। नहीं लिखा है क्या? लिखा नहीं था। तुम्हें शादी के टाइम पता था? हाँ पता था। हाँ भाई भाई। हाँ तो अब क्या प्रॉब्लम है? उसी की वजह से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग? जी हाँ। क्यों, ये गालियाँ नहीं दे सकता इसलिए? लव मैरिज है? नहीं मैम। लगता यही वजह है दोनों के कंफ्यूजन की। काउंसलिंग करा लो। मैडम मैडम, दोनों राजी है मैडम, इसलिए डिवोर्स ले रहे हैं। काउंसलिंग पर जाओ। मैडम नहीं मैडम, कहानी उल्टी हो जाएगी। चल निकल, टाइम खोटी मत कर, यहाँ लंबी लाइन लगी है डिवोर्स की, देख नहीं रहा है। निकलो यहाँ से। ओके को बुला। ओए 1914 2016, अल्फिन सेल्वा हाजिर हो। क्या हुआ, तुम लोग बाहर? वो जस्ट क्या कह रही थी? अरे उसे छोड़ो, काउंसलिंग के लिए जाना होगा। काउंसलिंग के लिए? हाँ, वो दो झक्की टाइप के लोग वहाँ बैठे होंगे, शादी के फायदे गिनाएंगे कि तुम दोनों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, उनके उपदेश चलते ही रहेंगे। क्या कह रहा है ये? क्या आप भी साथ में चलेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं। 3,000 दे दो। जो है अंदर देना है ना, समथिंग समथिंग। 500 देना उन्हें, जाकर कहना कि मैंने दिया है, समझा देना उन्हें, आधा रख लेना। दे दो उसे। हम दोनों काउंसलिंग के लिए चले क्या? चुप करना। अरे तू जानता नहीं, ये ऐसी है, ये ऐन मौके पे हमेशा गायब हो जाती है, हमेशा रायता फैलाती है और पापड़ मुझे मिलने पड़ते हैं। कितनी बार बोला है, पूछ के तो जाती कम से कम। सॉरी, इट्स ओके। अरे जल्दी भेजो। ओके सर, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। ये तो रोज की बात है। हाँ दे दिया, चले। इन दोनों को एक बार तो मिलना ही पड़ेगा सर। वो नहीं आएंगे, जाकर तुम बात करो ना, सीनियर लॉयर कैसे बनोगी तुम? जाओ बात करो, जाओ जाओ। नहीं नहीं, तुम दोनों को आना ही पड़ेगा, बस 2 मिनट का काम है, वो जो पूछेंगे जवाब देना और फिर चले आएंगे, ठीक है? सर बोलो ना, खत्म करते हैं। जा जल्दी चलो, मेरे पास टाइम नहीं है, आओ जल्दी। हाँ चलो आओ जल्दी चलो। हेलो सर, ये दोनों ही है, मिल लिया ना? हो गया, चलो चले। अरे भाई थोड़ी देर बैठो, जरा 2-4 बातें करो। हाँ? बैठो। बैठ जाओ ना, 2 मिनट की बात है। अरे बैठो, बैठ जाओ ना, 2 सवाल पूछेंगे। तुम बाहर वेट करो। हाँ? हाँ? पप्पू कार मेघा कुडली, दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा नाम है, लव मैरिज है ना? पहले किसने प्रपोज किया था? अच्छा तुमने किया। मेड फॉर ईच अदर लगते हो, आखिर क्यों डिवोर्स लेना चाहते हो? हम यहाँ गप्पे लड़ाने नहीं आए हैं। इसके कहने का मतलब है कि शादी तो 7 जन्मों का पवित्र बंधन है, तुम पहले भी पक गए। हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, ये तय है। ये आजकल के नौजवान शादी से पहले एक दूसरे के पीछे भागते हैं और शादी के बाद एक दूसरे से दूर भागते हैं। हाँ सही कहा। तुमने ही प्रपोज किया, अब तुम्हें डिवोर्स मांग रही हो, सामने वाले पर क्या बीत रही है जरा पूछो तो सही। आप इसे ही पूछिए ना, ये बताएगा आपको। अच्छा अच्छा, अच्छा ओ क्या बोल रहा है ये? इसे भी डिवोर्स लेना है। जरा खुलकर पूछिए, दोनों को इस तरह नहीं समझ में आएगा। आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं? आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी है? इस बंदे में बिल्कुल दम नहीं है। अब क्या बोला ये? ये गुस्से में वही कह रहा है जो अभी अभी मैंने कहा। मैं भी वही सोच रही थी। वैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? अरे, अरे नहीं, 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 ये तो मेरी पड़ोसन है, मैं तो अभी बैचलर हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे डिवोर्स पर तुम्हारी फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्या?
बस बहुत हुआ अब, क्यों पका रहे हैं आप दोनों? मैं इस गुंगी के साथ रहते रहते खुद गुंगी बन जाऊंगी। आप कन्विंस हो गए हैं कि मैं और बोलूं? याद आ गया, मीडिया में रहकर कोई ऐसी बात करता है क्या? तुम चमेली टीवी में न्यूज रिपोर्टर हो ना? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, रिपोर्टर होकर कैसी कैसी बातें कर रही है ये। अपने गुंगे पति का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा है क्या? बेचारा बोल नहीं पाता तो उसकी हेल्प करनी चाहिए या इस तरह डिवोर्स लेना चाहिए? आगे ए हो गया, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ बोले तो, ए तो करो, ए हेलो। आ गए? हाँ क्या हुआ, उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स भी नहीं देने चाहिए थे। देख रहे हो ना मेरे लिए कितनी मुश्किल बढ़ गई है। आज के बाद मुझे दोबारा कांटेक्ट भी मत करना प्लीज। वकील साहब मेरे नाम के प्रूफ हटा दीजिए। भाभी जा रही है? अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? चुपचाप चले जाओ वरना बुरा होगा। मेघा एक मिनट। मैं बोल सकता हूं मैं गूंगा नहीं हूं। तो फिर तुमने पहले मेरी बात क्यों? सुन लो फिर जो बोलना है वो बोलो। दिल करे तो थप्पड़ भी मार लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं गांव से हूं, गरीब परिवार से। सोचा कि फॉरेन जाकर पैसे कमाऊंगा तो घर के हालात ठीक हो जाएंगे। दीदी का गहना बेचकर पासपोर्ट के लिए शहर चलाया, फिर पासपोर्ट में बिना सोचे समझे मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया। नेसा ने जब तुमसे मिलवाया तो उसने कह दिया कि मैं गूंगा हूं, इसलिए मुझे गूंगा बनकर रहना पड़ा। मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। बिना मुझे जाने तुमने मेरी बहुत मदद की, मुझ पर भरोसा करके जज के सामने गवाही दी, ऐसा कौन करता है? तुम बहुत अच्छी हो। अब आगे से मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, माफ करना। तुझे कहा था पर तू मेरी बात सुनता कहाँ है? ए हाँ, अगर मेरा डिवोर्स हो भी जाता ना तो भी मैं सच्चाई छुपाता नहीं उसे। अपनों को धोखा दे चुका हूं, अब क्या दूसरों को भी धोखा देता फिरूं? कल अगर और किसी ने उससे मदद मांगी तो क्या वो उसकी मदद करेगी? मास्टर जी को सच पहले ही बता दिया होता तो आज इस झमेले में नहीं पड़ते। क्या बोल रहे? जब नदी में कूद ही गए तो तैर के तो निकलना ही पड़ेगा ना। अच्छा सर, क्या हम जज को सच्चाई बताकर केस वापस ले सकते? केस वापस नहीं ले सकते, लड़की को पेश होना पड़ेगा। सर सच्चाई के चक्कर में जज हमें भी खरी खोटी सुनाएगा? कीड़े पड़े जज के मुंह में। वकील साहब इससे बचने का कोई तो पतला गली होगा ना? ए मुंगेरी लाल के हसीन सपने, शांत। अच्छा ये वोटर आईडी तुम्हें बाहर पड़ा मिला और तुम इसे लौटाने आए हो है ना? ठीक है मैं आ जाऊं। अम्मा अभी अभी पप्पू आया था। पप्पू आया था? कब? अभी। कौन सा नंबर? हेलो कौन है? हेलो मैं पांडे बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहे? अरे मैं पांडे बात कर रहा हूँ, तेरा दोस्त पांडे।
हे पांडी, कैसा है तू? तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहा है? अरे भाई मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, चल मुझे। आईटी भूपालन कोई उसका मकान खरीदना भी नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? नेसा, पांडी का फोन आया था। पांडी का? कैसा है वो, क्या बोला? लगता है कुछ गड़बड़ है, शायद मुसीबत में है वो। कौन पांडी? जिसके सर पर चिड़िया का घोंसला था, जो लंदन चला गया, वही ना? हाँ हाँ। पप्पू सर, आ रहा हूँ सर। सर पांडी का फोन था, बहुत परेशान लग रहा था, कह रहा था कि बचा लो, मुझे बचा लो। ठीक है, शायद फंस गया सर। ये इसी नंबर से फोन किया था। 94 से शुरू है, श्रीलंका का कोड है। क्या ब्रो, उसने कब फोन किया तुझे? 1 घंटा पहले। वो सीआईडी में बोलते हैं ना, अगर 20 मिनट में फोन करो तो कॉलर की पोजीशन का पता चल जाता है, लेकिन विदेश में सीआईडी फैसिलिटी है या नहीं ये मैं नहीं जानता। ए भाई, मदद करना है कर, नहीं तो चुप रहे। तो क्या करना चाहिए? यहाँ से उड़कर सीधे लंदन चले जाएं क्या? अरे कल में तो है नहीं कि शेयर ऑटो से पहुंच जाए। फोन देना जरा, मैं अभी के अभी सर्च करता हूं। आराम से, थोड़ी देर बाद देखना, उसका मुझे बचा लो, मुझे बचा लो का मैसेज तुम्हारे फोन पर आएगा। ए तेरे मुंह का शटर बंद करना। ब्रो तुम टेंशन में हो इसलिए मुझ पर नाराज हो रहे हो, असल में तुम बहुत अच्छे आदमी हो। आई नो नेसा, तुम चेक करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। मेरे इलाके में मैं उसे 2 मिनट में खोज लेता, पर वो विदेश में है, क्या करूं? कोई तो रास्ता होगा। विदेश में भी वो क्या सबका सिर खारा होगा? वहां की पुलिस बहुत खतरनाक है, समझे ना? इस नंबर से कॉल आया, मतलब वो कोलंबो में। अरे हमने तो उसे लंदन भेजा था, फिर वो कोलंबो कैसे चला गया? यहाँ कुमार कौन है? कुमार सर अभी भी नीचे गए। जाओ तुम नीचे देखो, तुम उस तरफ देखो। सर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ लोचा है जो पूछा मारने आए? तू कौन है? पुलिस। पुलिस का नाम नहीं होता। एमपी मुर्गन स्वामी। क्यों पसंद नहीं आया? आप बोलो तो बदल देता हूँ। सर नाम बताने की जगह पासपोर्ट चेक कर रहे हैं, कुछ लोचा है क्या? कौन सा पुलिस स्टेशन? आखिरी बार विलवक्कम में था सर। आखिरी मतलब? उसके बाद वीआरएस ले लिया, 4 साल हो गए, और अब मैं ईमानदारी के साथ पब्लिक सर्विस में लगा हूँ सर। क्या काम करता है? मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। मतलब दल्ला ना? ऐसा नहीं है सर, कानूनी तौर पर पूरी ईमानदारी से मैं कम कमीशन पर समाज सेवा करता हूँ। मैं कई मकान मालिकों को जानता हूँ, आप इधर उधर कुछ खोज रहे हैं, क्या बात है सर? ए मैं बात कर रहा हूँ और तुम अपनी मर्जी कर रहे हो। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे को मार रहे। अरे भाई रे, एजाज ले जाओ इसे, चल जा। नटेशन सारे पेपर ठीक से चेक करना। यहाँ पप्पू कौन है? मैं हूँ सर। कहाँ से हो? मदुरई सर। मदुरई में कौन सी जगह? मतलब रामपुर सर, पास में ही है। ये कौन है? मेरा दोस्त है सर, ये गूंगा है सर, बोल नहीं सकता। नमस्ते सर। चेन्नई किस काम से आए थे? लंदन में सेटल होना चाहता था, वीजा के लिए आया था। टूरिस्ट वीजा? अफजल फैक्स मैसेज आया। ये पेपर लो और जल्दी से स्कैन कर दो। सर है इधर। इसको जानता है? सर फ्रेंड है। सर फ्रेंड है, नाम क्या है इसका? पांडी।
मुत्तु पांडियन सेल्वम, अभी कहाँ है वो? लंदन गया है सर। फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए टूरिस्ट वीजा लेकर। तुझे नहीं मिला वीजा? नहीं सर। सर इससे क्या हुआ है सर, प्लीज बताइए ना। कहाँ का रहने वाला है वो? मेरे गांव से सर, वो मेरे गांव में ही रहता है। उसका आईडी प्रूफ है? हाँ है सर, वोटर आईडी। वोटर आईडी ओरिजिनल है? बिल्कुल सर, वो घर पर ही है। कहाँ? रूम पर है सर, आप कहें तो मैं लेकर आता हूँ। चलो हम चलते हैं वहीं। आइए सर। ये सब लोग कौन है? ये मेरे घर वाले। घर वाले? हाँ। इतने सारे? ये तो पूरा जिला लग रहा है। आइए सर। खत्म ही नहीं हो रहा। आइए सर, बैठिए सर, प्लीज बैठिए। सर पांडे का वोटर आईडी। तुम लोगों के लिए वीजा कौन बनवाता? कुमार। उसका कोई दूसरा कांटेक्ट नंबर है? नहीं सर, बस एक ही है। वो रहता कहाँ है? नहीं जानता सर, मैं तो उसके ऑफिस में मिलता था। पिछले 8 सालों से गायब है। फोटो सेल्फी कुछ तो होगा ना? नहीं सर। उसके साथ एक श्रीलंकन भी तो रहता था, उसे जानते हो? नहीं सर। बैचलर बताया था तुमने? डिवोर्सी हो? सर पांडे के साथ क्या हुआ सर? सर यहां से राइट मत लेना, सीधा ही ले ले। तुझसे किसने कहा कि टूरिस्ट वीजा लेने के लिए बीवी का नाम भरना पड़ता है? कुमार ने। कुमार ने? हाँ सर। वो फ्रॉड तो सिर्फ डुप्लीकेट चीजें बनाता है, उसने तुझे ओरिजिनल पासपोर्ट क्यों दिलवाया? नहीं जानता सर। कार मेगा का नाम फॉर्म में लिखवाने का ख्याल किसको आया? सर मैं बता चुका हूँ सर, मैंने बस ऐसे ही डाल दिया था, लेकिन मेरे और उसके बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है सर। सर प्लीज उसके घर मत जाइए प्लीज। गाड़ी तेज चला। कौन सा घर है? सर मेरा यकीन कीजिए, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं, वो बस मेरी मदद कर रही थी। बहुत सीधी सादी लड़की है सर, जाने दीजिए प्लीज। चल देखते हैं। सर एक मिनट सर, सर प्लीज सर, उसकी माँ मुझे बहुत अच्छा समझती है, मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई परेशानी हो। सर वो अच्छे लोग हैं सर, अच्छी फैमिली से। रास्ते से हट, हट रास्ते से। अच्छी फैमिली है तो मिलने से क्या प्रॉब्लम है? आइए सर। अरे तू शर्मा क्यों रहा है? जो पूछना है पूछ। अगर ये साड़ी पहनती तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती। तुम भी तो धोती पहन सकते थे। क्यों? हाँ वो धोती तो पहनता ही है, धोती में मेरा बेटा चिरकुट से स्मार्ट बन जाता है। कार मेगा का घर यही है। अरे पप्पू अंदर आना, मेघा को लड़के वाले देखने आए हैं। रुको मैं बाहर आती हूँ। दूल्हे से तो मिल ले। क्या बात है? बुरा मत मानिएगा, सिर्फ 5 मिनट न्यूज से संबंधित बात करनी है, आप आइए। ये कौन है, क्या आप इन्हें जानती हैं? ये बेचारा श्रीलंका से आया है, बचपन से गूंगा है, इसने मेघा की बहुत मदद की है। अच्छा, यहाँ अपने परिवार को ढूंढ रहा है, पता नहीं वो लोग कैसे और किस हाल में होंगे। इसकी मदद करने के लिए आपने ये सब किया? जी हाँ। इसका एक दोस्त है पांडी, उसे जानती हैं आप? नहीं जानती। कुमार को? सर कुमार को सिर्फ नहीं,
एक श्रीलंकन भी है, उसे जानती हैं आप? नहीं जानती। कानूनन ये तुम्हारी बीवी है लेकिन तुम्हारे दोस्तों के बारे में कुछ नहीं जानती, क्या है पप्पू? ओके, आप जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिज। वैसे कार्मेघा की सैलरी कितनी होगी? 33,083 रुपीज मिलते हैं। किसी को और कुछ पूछना है? सर अब तो बता दीजिए ना, पांडे के साथ क्या हुआ है? लंदन एयरपोर्ट में बिना पासपोर्ट के घूम रहा था। इमिग्रेशन वालों को बताया कि वो श्रीलंका से है, तो उन्होंने उसे श्रीलंका डिपोर्ट कर दिया। श्रीलंका में बताता है कि वो इंडिया से है। हमें ये जानना है कि वो इंडिया से है या श्रीलंका से। पांडे मेरे गांव से है, वोटर आईडी आपने देखा ना सर? चल चलते। कहां सर? तेरे गांव और कहां? सर मैं अपने गांव नहीं जा सकता सर, फंस जाऊंगा सर, बहुत कर्जा लिया है सर। ये तेरी प्रॉब्लम है, चल बैठ गाड़ी में। सर प्लीज सर समझने की कोशिश कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। एक मिनट सर, मैं वही श्रीलंकन हूं जिसको आप लोग ढूंढ रहे हैं। एजेंट कुमार का एड्रेस मैं आप लोगों को बताएगा। ये बेगुना, इसने कुछ नहीं किया सर। ये तो गूंगा था, अब तोते की तरह बोलने लगा। सर मैं बोल सकता हूं ये बात ये भी नहीं जानता था, यही एक तरीका था जिससे मैं अपने आप को बचा पाता। अबे अगर पहले ही बता देता तो इतनी कसरत नहीं करनी पड़ती। हम तेरी ही तलाश कर रहे थे। एजाज सर, इसे गाड़ी में ठोस। ए और तू मेरे साथ चलो। ए पप्पू सर एक मिनट। हाँ जल्दी। अगर तुमको मेरा बीवी और बच्चा कभी मिलेगा ना तो उनको बताना कि मैं उनको ढूंढ रहा था। तुम्हारा बहुत याद है। अरे नहीं नहीं मुझे मेल कर और फौरन मुझे इत्तला कर। ओके जल्दी कर, बाय। सर वो पांडी। ओ एजाज सर, उस लड़के को लेकर आओ। यस सर। कैसा है रे तू? तू कैसा है? अगले महीने इसके केस की सुनवाई होगी। फाइन भर देना और एक अच्छा सा वकील भी रख लेना। ले जाओ इसे। थैंक यू सर। अच्छा हुआ तूने उसको सब सच बता दिया। पांडी और चावल चाहिए क्या? नहीं नहीं। पांडी मुझे तेरा गांव जाना अच्छा नहीं लग रहा है, एक आध दिन और रुक जाना।
नहीं, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था और एक रूम के अंदर बंद कर दिया। फिर एक आदमी आया, उसने पता नहीं क्या कहा, फिर सब लोग मुझे मारने लगे। जानता है, उन्होंने इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया। किसने? मुझे नहीं पता, वो लोग बहुत खूंखार थे, लगा था कि मैं मर जाऊंगा। फिर चमत्कार हो गया, मैंने गणपति बप्पा का नाम लिया और मैं बच गया। पांडे केला खाएगा? नहीं नहीं, छोड़ के आता हूं। अंधे को दिखाई नहीं देता और बस चला रहा है। क्या हुआ भाई, हमें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा ना? हे हे हे, कहाँ जा रहा है? गांव की बस में चढ़ाना था ना, तो शहर की बस में कहीं को चढ़ा दिया। अरे अरे, पर जा कहाँ रहा है? भाई इसका स्क्रू थोड़ा ढीला लगता है ना। हे, बिठाने के पहले देख सकता था ना, ऊपर वाले ने आंख दिया है ना, तो यूज करना। वो दोनों बसें एक जैसी दिख रही थी तो। ये फेंक दो। फेंकूंगा नहीं, बंगाल वाले को दूंगा, पैसा आएगा। इसे भी उठा के फेंको। हाँ ठीक है। वो लोग घर में दिखने नहीं चाहिए। हाँ नहीं दिखेंगे। ये सब क्या है, मेरा सामान क्यों बाहर फेंका है? तुझे घर से भगाना है ना, इसलिए पुलिस को घर वाला बता रहा था। भोले चेहरे के पीछे फ्रॉड। फ्रॉड? हाँ। कौन फ्रॉड बे? तू और कौन? पिछला किरायेदार फांसी लगाकर मर गया, तूने मुझे बताया था? अरे सबसे बड़ा फ्रॉडी तो तू है झिंगूर। ये आपका मुंह पे कचरा करते जा रहा है और आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। एक झापड़ मारो, इसके दांत बाहर निकालो। ए, झोपड़ पट्टी के शौचालय की तरह तो तेरा कमरा है, और महारानी ऐसे बोली है जैसे महल किराए पर दिया है। ए बोमिल, बर्तन धोता है, कपड़े धोता है, यहाँ तक कि पोछा लगाता है। इंग्लैंड से आऊंगा ना तो तेरे को चपरासी की नौकरी दूंगा। तू उसी लायक है। 6 एकड़, 1 एकड़ में कितना कट्टा? नहीं पता। 1 एकड़ में 100 कट्टा, 6 एकड़ में 600 कट्टा, मेरे टीचर ने बताया था। तू जानता नहीं, तेरे को खड़े खड़े गायब कर सकता हूँ। तो बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है, करके दिखा ना। बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के यहाँ खाते। जब डायलॉग नहीं आता तो क्यों बोलते हो? ऑडियंस को बेवकूफ समझ रखा है क्या? और चूजे तू शर्म को बेच खाया है क्या? फांसी लगाते वक्त रोका क्यों नहीं? रस्सी उसकी थी फांसी पर, वो लटका, उसमें मैं क्या करूं? अबे चमन चिंदी, उसे नीचे उतारता, पंखे से हवा देता, अपने हाथ से मुंह पे पानी छिड़कता, अपनी चोंच उसके मुंह में घुसेड़ के हौले हौले से सांस देता। वो खुद नहीं मरा, उसे तूने मारा है करम जले। खड़े खड़े हमारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यहाँ मिला, पर अगर गलती से भी ऊपर मिल गया ना तो फांसी वाली रस्सी तो वही रहेगी, गर्दन तेरी। जोरू का गुलाम, डूब मर। अरे हाँ? देख क्या रहा है? छू। ए, ए, इसके सामने इज्जत उतार रहा है, माफी तो मांग, उसके बाद जाना। हाँ? गोल। हाँ बोल। वाट लग गई यार, मकान मालिक ने अपन को बेघर कर दिया। क्या बात कर रहा है तू, अभी कहाँ है? मास्टर जी आ गए क्या? मास्टर? वो तो हमेशा दोपहर को आते हैं। क्यों, क्या हुआ? देख मैंने उनसे बहुत झूठ बोला है, अब सच बता दूंगा। हे भाई इतनी जल्दी मत मचा यार, थोड़ा सबर करना, एक बार अपनी पगार मिल जाने दे, उसके बाद तू इधर आ जा, हम दोनों बैठ कर बात करते हैं ना। अब मास्टर जी को बता देना मैं थोड़ा लेट आऊंगा। क्यों, कहाँ जा रहा है तू? पासपोर्ट ऑफिस। उसको मिलने के बाद इधर ही जाने का क्या? यही अपना अड्डा है, सब इधर, आप उनको पंचर पासपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, चल वांटास। पासपोर्ट बनवाने का क्या? नहीं, पासपोर्ट से बीवी का नाम हटाना है। सिंपल है। काय का सिंपल, शादी नहीं हुई तो? तो ये लो जाए। तू घबरा मत रे, तू एक काम कर, पहले शादी कर फिर डिवोर्स दे दे, फिर मेरा लॉयर फ्रेंड सब सेट कर देगा रे, तू उससे जाके मिल।
अपनी शादी करके डिवोर्स ले लेना, थैंक्स। अरे छिटक काय को रहा है रे, एक ताले की 25 चाबी अपने पास, एक बार तू खुद से अंदर गया ना तो दिवाली की चक्री की तरह तेरे को चारों तरफ नचाएंगे, बाद में तू फुसकी बम हो जाएगा। हाँ कर ले। हेलो हेलो, कहाँ पर हो तुम? मैं यही पासपोर्ट ऑफिस आया हूँ। तुम वहीं पर रुको, मैं 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। क्या? फोन रखो, मैं वहीं आ रही हूँ। हो गया जुगाड़। हाँ। तू एक काम कर, पास के थाने में जाके बोल कि तेरी बीवी ना गुम के लिए। काम हो जाएगा? 100% होगा बच्ची। अपनी दोस्ती का ब्रांच का एक दोस्त ना मुर्दा घर में काम करता है, अपन उसको बोलेंगे कि किसी 25 साल के आसपास की लड़की का बॉडी का जुगाड़ कर, फिर उस टपकेली का तेरी वाइफ के नाम पे आईडी कार्ड बनाएंगे, फिर उसको उसके पॉकेट में डाल के किसी नाली में फेंक देंगे। भूल गया ताला? क्या? फिर उसके अगले दिन पुलिस वाले तेरे को फोन करेंगे, उसके बाद क्या होएगा, वो लोग तेरे को शिनाख्त के लिए बुलाएंगे और फिर पासपोर्ट से तेरी बीवी का नाम मंटास। तेरे को थोड़ा सा रोना पीटना पड़ेगा पर तू कर लेगा। एक बार तेरे को डेथ सर्टिफिकेट मिल गया ना, तेरा सारा प्रॉब्लम मक्खन की तरह सॉल्व रे। इसके लिए तुम कितना लूटोगे? लूटने का ऐसा है कि हम लोग ना मिलके काम करते हैं, क्या है, टीम वर्क है, तो सबसे पूछ के तेरे को रेट बताता हूँ। तू इधर ही रहना, जाना नहीं, मैं अभी आता हूँ। हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इधर बहुत सारे चूहे तेरी जेब कतरने के लिए रेडी रहेंगे, तो उनको बोलना तेरा डील डन हो गया, समझा? क्या? मैं आता हूँ। चलो मेरे घर चलते हैं। क्या हो गया? अम्मा को सब पता चल गया है। हाँ तो मैंने थोड़ी ना बताया। उन्हें लग रहा है कि हम दोनों ने सच में शादी कर ली है और अब मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। वो चाहती है कि हम दोनों साथ में रहें। अब तुम चलो मेरे साथ और मेरी माँ को समझाओ। पर तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना। वो वेस्ट था, रिजेक्ट कर दिया मैंने। अब बेहतर यही होगा कि तुम मेरी माँ से बात करो। पांच मिनट रुको। ओए पका आओगे या भाग जाओगे? मैं धोखेबाज नहीं हूं। सर मैं आ सकता हूँ? यस। नमस्ते सर, मैं पप्पू हूँ। सर मेरे पासपोर्ट में एक गलती हुई है, उसे करेक्ट करना है। आप 4 नंबर काउंटर पर जाइए। नहीं सर, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलिए। सर टूरिस्ट वीजा पर मैं लंदन में जॉब पे जाना चाहता था, तभी एक ब्रोकर ने कहा कि शादीशुदा लोगों को वीजा जल्दी मिलता है, उसके झांसे में आके मैंने बीवी का ऐसे ही नाम डाल दिया। वीजा तो मिला नहीं, उल्टा मैं मुसीबत में फंस गया। तो मुझसे क्या चाहते हो? दूसरों की बातों में आकर मैंने कोर्ट में डिवोर्स का केस किया पर बात नहीं बनी, पैसे बर्बाद हो गए। हाँ मैं समझ गया, तुम उस लड़की का नाम निकालना चाहते हो, यही ना? हाँ बिल्कुल। इस देश में ना हर कोई चाहता है कि शॉर्टकट में काम निकाल ले। कितना पैसा खर्च हुआ? बहुत, बता नहीं सकता। ब्रोकर से बचो, इसके लिए हमने हर जगह बोर्ड लगा रखा है। तुम पढ़े लिखे हो ना, यहां आके डायरेक्ट फॉर्म भर के अपना काम क्यों नहीं करवाते हो? जब काम बिगड़ जाता है तब यहां पर आते हो, पहले क्यों नहीं आए? सॉरी सर। पासपोर्ट कहाँ है? सच में तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? सच में नहीं हुई सर। इसे काउंटर नंबर 6 पर दे दो। हाँ। वो तुम्हें एक फॉर्म देगा। हाँ। फॉर्म फिलअप करके तुम फाइन भर देना। 15 हाँ। दिनों के अंदर ही करेक्शन करके तुम्हारा पासपोर्ट आ जाएगा। ठीक है सर। सर नुकसान कितना होगा? लगभग 1300 के आसपास। बस इतने ही? तो तुम ज्यादा देना चाहते हो क्या? चलो जाओ। ठीक है सर। अयो ये तो सिर्फ फाइन है जी, एक काम करो 3rd काउंटर पर दे दो। डायनासोर ने साइन कर दिया,
लगता तुम डायरेक्ट मिले, कुछ कहा क्या? चलो अच्छा हुआ पैसा बच गया, ब्रोकर के चक्कर में तुम लुट जाता। इधर एक से बढ़कर एक बड़ा बड़ा मगरमच्छ बाहर घूमता। हम तुमको पहले ही बताया था पर तुम समझा नहीं। डायनासोर ने तुम्हारा काम बड़ा आसानी से कर दिया, हमको तो ताज्जुब होता। लो ये फॉर्म भर के साइन करके दे दो। सर एक मिनट, मेरा पासपोर्ट वापस कीजिए। किस लिए? मैं 5 मिनट में आ रहा हूं सर। थैंक्स। तो चलते हैं? हाँ? चलो बैठो। जाने से पहले कुछ पूछ सकता हूं? हाँ पूछो। शादी करोगी मुझसे? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। पासपोर्ट से मेरा नाम निकालना बहुत मुश्किल है क्या? नहीं, पासपोर्ट ऑफिसर ने यह लिख कर दिया है कि नाम निकल सकता है। ओह, एक लेटर से काम बन गया, तो नाम निकाल दो ना। नहीं, कहानी मत सुना। इस बात की क्या गारंटी कि तुम सच बोल रहे हो? मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे कई बार झूठ बोला है, लेकिन अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा यकीन करो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, अगर तुम कहो तो तुम्हारी माँ से मैं तुम्हारा हाथ मांग सकता हूँ। शादी करोगी मुझसे? चलो घर चले। चलो ना। क्या हुआ? मन में लड्डू फूट रहे? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं चला। अरे, तुम भी ना। देखो मैंने हेलमेट नहीं पहना है, कभी भी चालान कट सकता है। हम दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर। ए हंसते रहो, बहुत अच्छी लगती हो। पुकार में का हाजिर हो। हाय। नमस्ते मैडम। क्या बात है, आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, टाइम पर आ गया तू। बोलो। दरअसल हम दोनों ने तय किया है कि हम दोनों साथ रहेंगे। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन तुम दोनों उस दिन काउंसलिंग से भाग क्यों गए थे? उन बुड्ढों के सवालों से परेशान हो गई थी इसलिए चली गई। कुछ दिन पहले तो तुझे इस फटे डोल से एलर्जी हो रही थी, अब नहीं हो रही है? नहीं, वो मेरी समझ में आ गया कि इसकी बोलती बंद है तो घर में सिर्फ मेरी चलती है। आई लव हिम। चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया तो डिवोर्स दे दूंगी। ना ना मैडम, मैं खुद इन दोनों के कान पकड़ कर सिखाऊंगा कि कैसे साथ रहना है। ठीक है, खुश रहो। चलो। अगला कौन है? 3514 2014। क्यों हंस रहे हो? वही कि इतना महाभारत होने के बाद आज हम दोनों जो साथ मिले हैं उसकी अगर कोई वजह है तो यही टकला है। हाँ, मैंने मेघा ही कहा था, इसने उसमें कार जोड़ दिया। थैंक यू। मैडम ये वही पार्टी है। ओ, रेंट के बारे में बता दिया ना? हाँ बता दिया, 9500। ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक हाँ। है। यहाँ सिर्फ एक ही गाड़ी का पार्किंग है। पड़ोसी यहाँ पार्क कर लेंगे? ये अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करेगा, वो अपनी गाड़ी बाहर पार्क करेगी। ये तुम्हारा बेबी है? सॉरी सर, हम फैमिलीज को घर नहीं देता, सिर्फ बैचलर्स को देता है। धन्यवाद। चलते हैं। बुढ़िया को चाहिए शादीशुदा लोग और मिडिल एज को चाहिए बैचलर। अब कहाँ जाएं? उस झंडू के पास चलते हैं। चलो। क्या हुआ? अरे वहाँ एक चमन चिंदी रहता है, उसका घर देख। हाँ चलो। ए, जाने से पहले कुछ कहोगे नहीं क्या? सुनना चाहती हूँ। तुम मुस्कुराती हो तो दिल बाग बाग हो जाता है। तुम्हारी मृग नैनी जैसी आंखों को देखने को दिल बार बार करता है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? बेहतर होगा कि तुम चुप ही रहो।
मैं तुम्हारे घुंघराले बालों को बहुत मिस करूंगा। उसे इतना मिस करोगे तो फ्लाइट भी मिस हो जाएगी। जाओ। मास्टर जी, मास्टर जी। क्यों बेटा, अपने हस्बैंड को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। अच्छा लड़का है, इसे दामाद बनाना चाहता था, पर तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। पहले बताया होता तो इसका वीजा भी मंगवा लेता। अगर आपको बताया होता तो आज ही नहीं जा रहा होता। सही कहा, अगर पता चलता तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता। दोबारा झूठ मत बोलना मुझसे। मास्टर जी, फ्लाइट का टाइम हो गया, चलना चाहिए। मैं तो भूल ही गया। हे गाइस, चलो फ्लाइट का वक्त हो गया। हे, लव यू। अभी तक बचपना नहीं गया। नहीं, जाओ। Hey.